मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-2290-1701 पर। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के मूवी फैक्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है सिवाय। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी सिवाय फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तादे दोस्तों सिवाय मूवी 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका निर्देशन और निर्माण अजय देवगन सर ने अपने बैनर अजय देवगन एफए फिल्म के तहत किया है। दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं, फिल्म की कहानी और पटकथा संदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित की गई है और फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। बता दें दोस्तों साथ ही पहली अभिनेत्री आयशा अबीगैल को फिल्म के अंदर लिया गया है। एम्स और साथ ही अरिका कार मुख्य भूमिकाओं में फिल्म के अंदर नजर आई थी और मिथुन ने फिल्म के स्कोर और साउंडर की रचना की थी। इन साथी ब्रिटिश एंड बैंड के बारे में हम बात कर तो वेम्स इन साथी संगीतकार जो है जसलीन रोय ने भी इस फिल्म के लिए तैयार किया है। बता दें दोस्तों सिवाय मूवी 28 अक्टूबर 2016 को दिवाली वीकेंड पर रिलीज हुई थी और यह मूवी व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और बॉक्स ऑफिस के बारे में हम बात कर तो बता दें दोस्तों 50 से अधिक दिनों तक ये मूवी सिनेमाघरों में चली थी और इसने 2017 में सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इस मूवी ने जीता। बता दें दोस्तों इसी 17 जून 2017 को शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 2017 प्रदर्शित इस फिल्म को किया गया था। साथ ही साथ बता दें दोस्तों फिल्म की शूटिंग नवंबर 2014 में शुरू हुई थी, जिसमें अधिकांश शूटिंग जो है मंसूरी एंड साथ ही बुल्गारिया और हैदराबाद में फिल्म को शूट किया गया था। और इसी के साथ सिवाय फिल्म को 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज किया गया था और ये मूवी रिलीज होने में सबसे अच्छी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। रिलीज हुई और फिल्म के बारे में हम बात करें तो ये मूवी फ्रांस, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड में मूवी को एक साथ रिलीज किया गया था। बता दें दोस्तों बाद में फिल्म के रनिंग टाइम को 19 मिनट तक जो है कम कर दिया गया और साथ ही नए ट्रिम किए गए थे और संस्करण को सिनेमाघरों में जारी किया गया। बता दें दोस्तों 27 अक्टूबर 2016 को द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया था कि वह जो है घोषित फिल्म एंड समीक्षक जो है कमाल आर खान ने ट्विटर पर फिल्म का शुरुआती दृश्य अपलोड किया था। इसे जो है उन्होंने दुबई के एक थिएटर में शूट किया था। निर्माता अजय देवगन को यह कहते हुए इनकी उद्धत किया गया था कि वह खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार अजय देवगन की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है सिवाय। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को अजय देवगन ने खुद डायरेक्ट किया है और बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो अजय देवगन सर ने ही फिल्म को प्रोड्यूस किया है। दोस्तों बात करें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय देवगन, शायद एरिका कार फिल्म में नजर आई है एंड बात करें सहायक भूमिकाओं में तो इस फिल्म में गिरीश करण इंसान ईश्वर व शुक्ला नजर आए हैं। दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी लिखे उदय कुंती सर ने और फिल्म को डायरेक्ट किया है अजय देवगन सर ने। दोस्तों मूवी को 28 अक्टूबर 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और वहीं पर बात कर ले इस मूवी की बजट के बारे में तो इस फिल्म को 103 करोड़ के बजट में बनाया गया है और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो बता दें दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर में 146.29 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। दोस्तों ये मूवी अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को रिलीज होने के बाद बॉलीवुड हंगामा ने सिवाय फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दिया था और लिखा था सिवाय मूवी एक संपूर्ण यानी कि भावनात्मक थ्रिलर मूवी है जो अपने लुभावने दृश्यों को उद्धत करता है और एक्शन सीन इसमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है उच्च इंसानी ऑक्टाइन के साथ प्रदर्शन के कारण उच्च स्कोर करती है।
है। दोस्तों दैनिक एन साथी जागरण ने फिल्म को भावना और एक्शन से भरपूर बताते हुए इस फिल्म को 3.5 स्टार का मूल्यांकन किया था और मुंबई मिरर ने भी फिल्म को 3.5 का ही दर्जा दिया था। इसमें कहा गया है कि फिल्म अधिकांश खातों में काफी स्कोर करती है इन बॉलीवुड। बॉलीवुड लाइफ ने फिल्म को 3.5 का ही दर्जा दिया और लिखा है अजय देवगन का निर्देशन इसके आश्चर्यजनक है और दृश्य और सांस लेने वाले एक्शन दृश्यों के बारे में है। बता दें दोस्तों बुक माई शो ने फिल्म की समीक्षा की और फिल्म को एक आदर्श दिवाली उपहार कहा जो आप अपने और अपने परिवार को इसी दिवाली हफ्ता में दे सकते हैं। दोस्तों न्यूज 18 के लिए राजीव मसद ने इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए और लिखा है अजय देवगन जिस स्टार के हकदार थे वह तेज यानी कि निर्देशक और बेहतर स्क्रिप्ट हो सकती थी और अंत में सिवाय के लिए आंखों में पानी भरने वाले स्थानों और साथ ही हिमालय और बुल्गारिया दोनों के अलावा कुछ यानकी नहीं है और कभी कभी अजय देवगन और उनकी बेटी की भूमिका निभाने वाली छोटी लड़की के बीच जो है कि मर्मिक क्षण होते हैं बाकी सब यानकी शोर है। और बता दें दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर है। द हिंदू के लिए लेखन नम्रता जोशी ने टिप्पणी किया है कि फिल्म बहुत धीमी गति से चलती है और बस एक कहानी के साथ लगभग जो है 3 घंटे लंबी मूवी हो जाती है। फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटी कैट ने वर्णन किया है कि एक भारी यानी कि भरकम आती है। ऐसा थी 20 तारीख जो है फिल्म के रूप में फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दिया और इंडिया टुडे की अनन्या भट्टाचार्य ने छायांकन की प्रशंसा की लेकिन लेखन की आलोचना उन्होंने किया था और Reddit.com के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिए और इसे पूर्ण यानी कि अपाधा कहते हुए कहा था। इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रत गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दी है और केवल एक चीज़ जिस पर जो है आपकी नज़र जा सकती है और नज़र टिक सकती है उन्होंने कहा और वो शानदार दृश्य यानी कि बाकी फुला हुआ है और सितारा वाहन में है। बता दें दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिवाय फिल्म के बारे में जिसे 2016 में मूवी को रिलीज किया गया था और 2016 में फिल्म ठीक ठाक कमाई की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट भी बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये मूवी अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इस फिल्म को Amazon Prime पे रखा गया है और वहां से आप इस मूवी को देख सकते हैं लेकिन वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन शिवाय के रूप में नजर आए हैं। शायसा मैम इस फिल्म में अनुष्का के रूप में नजर आई है। इरिका कार फिल्म में उलागा शिवाय की यानी कि फॉर्मर लॉफ यानी कि पत्नी के रूप में नजर आई है। बता दें दोस्तों इस फिल्म में कई सारे और भी सहायक किरदार नजर आए थे जैसे कि आपको बता दें भीड़दास गिरीश कर्नाथ ऐसा थी शुभ्रा शुक्ला फिल्म में नजर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं शिवाय फिल्म की कहानी के बारे में। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से शिवाय मूवी की कहानी को जान लेते हैं। तादे दोस्तों शिवाय फिल्म में अजय देवगन को शिवाय के रूप में दिखाया गया है जो एक कुशल और साथी पर्वतारोही इंसान है जो पर्यटकों को टैग करता है और चढ़ाई अभियान प्रदान करके उनके यापन करते हैं। दोस्तों एक दिन वो एरिका कार से मिलते हैं और उसे जो है हिमाचल से बचाते हैं जो अंततः प्यार में दोनों पर जाते हैं। बता दें दोस्तों उलागा इन गर्भवती हो जाती उसी प्यार में लेकिन बच्चा नहीं चाहती थी और शिवाय उसे बच्चा देने के लिए विनती करता है जिसके बाद वह उसे नहीं रोकेगा और 9 साल बाद जो है शिवाय अपनी मूक बेटी और उनके साथ जो है इनकी अबीगेल एस के साथ जो है एक यानी कि खुशहाल जीवन व्यतीत करता है जब तक कि उसे पता नहीं चल जाता कि ओल्गा अभी भी यानी कि जीवित है और बुल्गारिया में है। बता दें दोस्तों जैसे ही अजय देवगन को ये पता चलता है कि बुल्गारिया में वो छुपी हुई है गौरा जोर देकर कहता है कि शिवाय को बुल्गारिया ले जाया जाए और अपने पुराने दुखों के बावजूद जो है शिवाय अंततः उसे बुल्गारिया से जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। बता दें दोस्तों जहाँ पे वह एक छोटे बच्चे को बाल इंतजादी तस्करों से बचाता है शिवाय जो है इनकी ओल्गा का पता लगाने में भारतीय इन दूतावास की मदद लेते हैं और उसे अनु और सातु उनके साथ जो है इनके सहसा सहगल को सौंपा जाता है। सहसा सहगल को भी फिल्म में सहायक भूमिकाओं के लिए लिया गया था। बता दें दोस्तों व्यापारी इन साथी उस तीनों के साथ और उसके दाहिने हाथ वाले जो है अनदेखी चांदनी के साथ जो है नेतृत्व में तस्कर एन शिवाय के पीछे आते हैं और गौरा का अपहरण यहाँ से कर लिया जाता है। शिवाय वैन का पीछा करते हैं एन विभिन्न कारों को नष्ट कर देते हैं अजय देवगन लेकिन वैन को खो देते हैं और साथ ही बुल्गारिया पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है अजय देवगन को जिस पर हत्या और तस्करी का आरोप लगा दिया जाता है। एन पुलिस वैन में रहते हुए शिवाय वैन में अधिकारियों को एक ही यानी कि नकाबपोश तस्कर होने की कल्पना करता है उन पर हमला करता है हर एक अधिकारी को बाहर निकाल देता है और वैन गलती से एक बांध से
गिरा दिया जाता है और पुलिस को लगता है कि शिवाय मर चुका है, लेकिन शिवाय अपने यानी कि हुनर की वजह से वैन से कूदकर भाग निकलता है और शिवाय जो है बच जाता है। लेकिन वे साओ में से एक को वो जो है कि उस साले में वे साले से मदद करने के लिए अनु के घर लाता है, अनु के घर पे जाता है। अनु जिसने पहले शिवाय को गलत समझा था उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इन साथ ही ओल्ग अब जो है शिवाय का टेलीविज़न कवरेज देख चुकी है और उसमें जो है मिलती है उससे ये मिलता है और उसे जो है कि जुट जाता है कि शिवाय की विभिन्न यानी कि पीछा करने वाली NCCTV फुटेज को उनके साथ जो है कि पुनर्प्राप्त करने के लिए वहाँ पर वहाबीर दास की मदद लेते हैं, जहाँ पर इवान बीच के साथ जो है कि उस तीनों के साथ गुर्गे वहाँ पर पहुँचने पर बुरी तरह से पीटा जाता है, जिसके बाद वह जो है कि उस तीनों के इस स्थान पर खुलासा करते हैं कि जहां पे शिवाय को पता चलता है कि गौरा को यानी कि देह व्यापार से बेचने के लिए ले जाया गया था। अब शिवाय अपनी बेटी को रोमानिया ले जाता है, रोमानिया ले जाने वाली यानी कि ट्रांसफॉर्म वैन का पीछा करता है। एक लंबी और शतिर जो है लड़ाई तब शुरू होती है जब जो है कि चेंजेस को अब जो है बुल्गारिया पुलिस के कप्तान इंसाती निकोलाइया के रूप में प्रकट किया गया है इन शिवाय पर हमला करता है, लेकिन वह बाद में उसे मार देता है। और बता दें दोस्तों, ओल्गा के साथ जो है फिर से मिल जाते हैं, जो अब यानी कि धनी इन बुल्गारिया से शादी कर चुकी है और गौरा को हर यानी कि आराम प्रदान कर सकती है। शिवाय गौरा को खोने नहीं चाहती, शिवाय जो है गौरा को खोना नहीं चाहता है, लेकिन यह देख कर कि उनके साथ ओल्गा अब उससे जो यानी कि विनती करती है, वो भारी मन से वहाँ पे हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे गौरा आती है और उसे न छोड़ने का अनुरोध करते हुए उसकी बाहों में दौड़े चली जाती है। तो दोस्तों, शिवाय फिल्म की ये जो छोटी सी कहानी है मैंने आप लोग को इस वीडियो में समझा दिया। दोस्तों, फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी इसके बारे में भी मैंने आप लोग को वीडियो के अंदर बताया है। आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों, इसी तरह जब शिवाय फिल्म को रिलीज किया गया था तो इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखी गई थी कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी, लेकिन अंततः फिल्म ने 146 करोड़ पर जाके दम तोड़ दिया। और वहीं पे बात कर ले मूवी की बजट के बारे में, तो फिल्म को टगरी बजट पे बनाया गया था। 103 करोड़ के बजट पे इस फिल्म को 2016 में बनाया गया था। अजय देवगन की फिल्म के बैनर तक मूवी को रिलीज किया गया था। पेन इंडिया लिमिटेड के बैनर तक भी मूवीज को बनाया गया है। दोस्तों, फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट अजय देवगन, साइशा एंड इरिका कार फिल्म में नजर आई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अजय देवगन सर के बारे में और जानेंगे अजय देवगन सर ने अब तक कितने फिल्मों में हैं। दोस्तों, अजय देवगन की करियर की शुरुआत होती है सन 1991 में। जैसे ही अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था, उन्होंने अपने मंच का नाम अपने जन्म के नाम से विशाल से बदलकर अजय कर लिया था, क्योंकि बता दें दोस्तों, एक ही समय में मनोज कुमार के बेटे सहित कई अन्य अभिनेताओं को लॉन्च किया गया था। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था। इस फिल्म में काम करने के बाद अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रत्यर्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने मधु के साथ अभिनय किया था। फिल्म के अंदर अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी आई थी, जिसे सन 1992 में रिलीज की गई थी, जो एक करिश्मा कपूर की सह अभिनीत वाली बॉलीवुड मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये मूवी दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। बता दें दोस्तों, सन 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और साथी बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने दिव्या शक्ति और फिर जो है संग्राम में अभिनय किया था, जो दो पिताओं के बीच जो है दुश्मनी की कहानी को बतलाई गई है। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था, और दीपक पावर के साथ जिन्होंने उनके साथ जो है इनके प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था। उस वर्ष अन्य रिलीज जो है शक्तिमान धनवान और बिदर्दी फिल्म में अभिनय की थी, जो साल 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी, जो कि बौद्धिक रूप से विकलांग हो चुका था। फिल्म के अंदर व्यक्तित्व, ये फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली रिलीज मूवी कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ जो है कोको कोहली की सुहाग मूवी थी। ये मूवी दो दोस्तों के बारे में थी, जिसने अजय देवगन ने अभिनय किया था। अजय शर्मा के रूप में मल्होत्रा की भूमिका अक्षय कुमार ने निभाया था। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
की अगली फिल्म विजय पथ मूवी थी, जो विजय पथ की शूटिंग की तारीख करण अर्जुन मूवी से टकराई थी। इसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो साल 1995 में अजय देवगन, महेश भट्ट की फिल्म जो है नजायज और फिर जो है मिलन लूथ रियाधारा निर्देशित की गई हलचल फिल्म में दिखाई दिए थे। काजोल ने सह अभिनय किया था फिल्म के अंदर। अजय देवगन एंड काजोल जो है फिर जो है गुंडराज मूवी में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तब्बू के साथ अभिनीत उनकी अगली रिलीज मूवी हकीकत मूवी थी और ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह अजय देवगन सर ने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे फिल्मों में अभिनय किए हैं और इनकी फिल्में बहुत ही ज़्यादा एक टाइम में पॉपुलर हुआ करती थी 1990 के दशक में, और आज भी इनकी बहुत सारी मूवी साल में रिलीज होती रहती है। फिल्म तो इनका आता ही रहता है हर एक साल में। जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। साल 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंभा एंड आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया था। उनकी अगली रिलीज मूवी ट्विंकल खन्ना के साथ जो है जान मूवी नामक एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था, जहां पे उन्होंने शाका नामक एक आतंकवादी के किरदार निभाया था। दिल जले फिल्म एक ऐसी मूवी थी जो एक आतंकवादी के ऊपर फिल्म को बनाया गया था। साल 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिर से काम किया। खराब रूप से प्राप्त फिल्म जो है इतिहास में अभिनय किया था। उनकी अगली रिलीज मूवी आमिर खान, जूही चावला और काजोल के साथ इंद्रा कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इश्क फिल्म थी। इसी यानी कि इश्क मूवी को सफल रूप से बहुत ही अच्छा माना गया था। फिल्म के अंदर अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजोल के प्यार में पड़ जाते हैं। अमीर लड़के अजय देवगन की भूमिका इस फिल्म में निभाई है। फिल्म ने 30 करोड़ से लेके और इन पैसों को अगर हम यूसी में कन्वर्ट कर दें तो 3.9 मिलियन की कमाई की थी और ये फिल्म साल की 34 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। साल 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जो है जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किया था। साल 1999 में हम दिल दे चुके सनम फिल्म में अजय देवगन ने नवराज की भूमिका निभाई थी, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। अजय देवगन तब अमिताभ बच्चन और साथी सोनाली बिंद्रे के साथ मेजर शाह फिल्म में अभिनय किया, जहां पे उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। फिल्म सफल रही थी और साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अनीस बज्मी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था फिल्म में अजय देवगन ने काम किया था और इस फिल्म में काजोल के साथ अभिनय किया था अजय देवगन ने, जो साल 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीज की किस थी और जो कि रिमेक बनाई गई थी और इसने जो है काफ़ी अच्छी कमाई किए थे। बता दें दोस्तों अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम मूवी थी, जहां पे कथानक दंगों के दौरान मुंबई में साथी सांप्रदायिक जो है तनाव की जांच करता है, जिसमें अजय देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका इंसान है। अजय देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। साल 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने नवराज की भूमिका निभाई थी, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ जो है पुनर्मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम मूवी में अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, जब फिल्म जो है मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना यानी कि हाँ न्यातो को एक जो है इनकी रूपांतरण साथ ही संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। संजय लीला भंसाली धारण निर्देशित की गई थी मूवी को एन इस फिल्म में सलमान खान एन ऐश्वर्या राय के साथ कलाकार में अजय देवगन को शामिल किया गया था। अभिनय किए थे अजय देवगन ने फिल्म में काफ़ी यानी कि फिल्म को सराहा गया था। रेडिफ ने कहा था अजय देवगन की भूमिका आपको उसी भूमिका को याद दिलाती जिसमें उन्होंने प्यार तो होना ही फिल्म में अभिनय किया था। दोस्तों बता दें हम दिल दे चुके सनम फिल्म को देखकर इनकी एक और फिल्म की याद आ जाती है, जिसमें जो है इन्होंने प्यार तो होना ही मूवी में काम किया था और वहां पे इन्होंने अपने काजोल यानी कि अपनी प्यार को किसी और से मिलाने की कोशिश करते हैं। बता दें दोस्तों ये मूवी सफल रही थी और ये मूवी प्यार करते हैं लेकिन गहन दृश्य उसकी विशेषता है और यहाँ यानी कि अच्छा ये मूवी यहाँ पे अच्छा काम करता है, विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ पे वो अपनी पत्नी की जिससे नाराज हो जाते हैं। बता दें दोस्तों उसे शांत रखने का प्रयास करते हैं अजय देवगन और किसी भी तरह अजय देवगन उन दोनों को मिलाना चाहते हैं, लेकिन फिल्म सफल रही थी और अजय देवगन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार
पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन एंड सोनाली बिंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम फिल्म में दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लोथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में सैफ अली खान एंड मनीषा कोइराला के साथ काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत मूवी में काम किया, एक रोमांटिक कॉमेडी, और फिर काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखा गया था दिल क्या करे, जो साल 1999 में उनकी अन्य फिल्में गैर और यानी कि तक्षक मूवी थी, जिसमें जो है उन्होंने एक जो है मजबूत यानी कि मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। बता दें दोस्तों, ऑल द बेस्ट मूवी को रिलीज किया गया था 2009 में। 2009 के प्रचार के दौरान अजय देवगन, सन 2000 के दशक में अजय देवगन ने हरी बवेजा की दीवाने फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया था काजोल के साथ राजू चाचा। फिल्म जो है माध्यम रूप से सफल रही थी, जो 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली रूप से सफल फिल्म में अभिनय किया था माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ ही रास्ते है प्यार की फिल्म में अभिनय किया। दोस्तों, मनीषा कोइराला के साथ माधुरी दीक्षित के साथ एंजॉय की, शरफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली मूवी रिलीज लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि यह फिल्म जो है जनता के बीच लोकप्रियता नहीं हुई थी। इसके बाद महेश मांजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था, जो 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में राम गोपाल वर्मा की मुंबई इन अंडरवर्ल्ड की साथ ही जो है काल्पनिक परीक्षा में प्रदर्शित किया था। अजय देवगन ने मलिक नाम के एक गैंगस्टर का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। कंपनी अजय देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। जैसा कि आपको बता दें, तरण आदर्श ने समीक्षा किया था कि अजय देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के साथ निभाते हैं, एक जो है नियंत्रित प्रदर्शन करते हैं और अभिनेता इसी जटिल चरित्र को लेता है। जैसे आपको बता दें, मछली पानी में ले जाई जाती है, वह जो है सराहनीय इन सहजता के साथ अपने हिस्से को कम करते हैं। इन अजय देवगन को फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिवाय फिल्म के बारे में और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और ये मूवी सिवाय फिल्म को अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं अजय देवगन के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब 2003 में अजय देवगन ने राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म भूत में उर्मिला मातुंगर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी कयामत सिटी अंडर थ्रेट में अभिनय किया था। अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ अभिनय किया था। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। और बता दें दोस्तों, अजय देवगन ने अगली बार मिलन लोथरिया की रोमांटिक फिल्म चोरी चोरी में रानी मुखर्जी और साथी सोनाली बिंद्रे के साथ अभिनय किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं हो पाई थी। अजय देवगन की साल की अगली रिलीज मूवी प्रकाश झा की गंगाजल मूवी थी। ये फिल्म बिहार के भागलपुर में हुई थी। अंधाधुंध घटना के समय इस मूवी को बनाया गया था। फिल्म के बारे में Rediff.com ने कहा था, अजय देवगन ने स्वतः के यानी नीचे की अपनी जो है नाराज नायक छवि को यानी कि सुदृढ़ करने के लिए एक भाग के साथ एक जो है इक्का बनाया है। अपने श्रेय और निर्देशक के लिए वह एक बड़े पैमाने पर यानी कि रूढ़िवादी धर्मी के लिए शैली और शादी अनुग्रह लाते हैं। नायक काफ़ी हद तक जो है उनकी उपस्थिति ने दूसरी छमाही में फिल्म की चंचलता को कवर किया था। अजय देवगन को इसी प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म जो है यानी कि ज़मीन और JP दत्ता की युद्ध फिल्म जो है यानी कि LOC कारगिल में काम किया। 2004 में राजकुमार संतोषी की एक्शन थ्रिलर खाकी फिल्म में अजय देवगन को अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ लिया गया था। ये फिल्म 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली थी और ये फिल्म 2004 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बता दें दोस्तों, खाकी में अजय देवगन ने एक बार फिर जो है खलनायक की भूमिका निभाई। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कातिल बने उनके अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। तरण आदर्श ने कहा था, अजय देवगन एक प्रदर्शन के साथ अपनी टोपी में एक और जो है पंख जोड़ लेते हैं, जो केवल एक मास्टर कलाकार ही धारण किया जा सकता है। और
बता दें दोस्तों अमिताभ बच्चन के साथ उनका टकराव जो है अनुकरणीय है फिल्म के अंदर। बाद में 2004 में अजय देवगन इंद्रा कुमार की फिल्म में दिखाई दिए थे मस्ती। सनम तेरी कसम फिल्म में उन्होंने युवा में भी अभिनय किया था। इसी तरह अजय देवगन ने ऋतु पूर्ण घोष के साथ जो है रिलेशनशिप ड्रामा मूवी साथ ही रेनकोट फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ इन्होंने काम किया था। और ये फिल्म ओ यानी कि हेनरी की द यानी कि गिफ्ट ऑफ द यानी कि मैगी का रूपांतरण बनाया गया है जो कि रेनकोट को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। और उसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अजय देवगन को उनके अभिनय के लिए काफ़ी सराहा गया था। रेडिफ ने कहा झिझक जो है इनकी हताशा वाला और अपमान जो है अजय देवगन उन्हें उनके साथ यानी कि एक ही पोटेंस से बताते हुए उनका मनोज कोई भी यानी कि शांत दोस्त नहीं है बल्कि दुख में एक और जो है कि निमन इन साथी माध्यम वर्ग का आदमी है जिसके साथ जो है कोई भी यानी कि स्थान बदलना नहीं चाहता होगा। और बता दें दोस्तों वह विशेष रूप से दृश्यों में बाहर जो है खड़ा है जहाँ पे वह बाथरूम में रोते हैं यानी कि नीरू से उनके साथ किसी और से शादी न करने की भीख मांगते हैं जो 2004 में अजय देवगन को टार्जन द वंडर कार में फिर से देखा गया था। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम सिवाय फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आप सिवाय फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बतलाना क्योंकि इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। तो दोस्तों ये फिल्म तो अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो में देखने को मिलता है जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। अब दोस्तों 2005 में अजय देवगन के लिए कम सफल साल रहा था क्योंकि फिल्में जो है आर्थिक रूप से सफल नहीं रही थी और इनमें जो है इंसान ब्लैकमेल जैसे ही यानी कि उनके साथ जो है टेंगो चार्ली और शिखर शामिल थे। हालांकि कार और साथी अपहरण फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, अपहरण में उनके प्रदर्शन के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। काल फिल्म में खलनायक के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था। 2010 में वंस अपन ए टाइम इन मुंबई फिल्म की साथी होने की सक्सेस के बाद जो है पार्टी में कंगना रनौत के साथ अजय देवगन को देखा गया था जो 2006 में अजय देवगन ने ओमकरा फिल्म में और साथी जो है इनकी ओथेलो की भूमिका निभाई जो कि बिलियन एंड साथी शेक्सपियर के ओथेलो का हिंदी रूपांतरण मूवी था। इसका निर्देशन जो है विशाल भरद्वाज सर ने किया था। फिल्म उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एंड साथी व्यवस्था की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट किया गया था। यौन और इस ईयर की एक जो है त्रासदी हुई कहानी बतलाई गई है। इसका प्रीमियर 2006 के कान फिल्म समारोह में हुआ और साथी जो है इनकी काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में प्रदर्शित किया गया था। ओमकरा मूवी को समीक्षकों ने खूब सराहा था। रेडिफ ने कहा था ओथेलो की एक जो है यानी कि मुश्किल भूमिका रखी गई है मूवी के अंदर। खलनायक धारा जो है यानी कि ग्रहण किया गया था। फिल्म को प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हो फिर भी यानी कि मूर के एक जो है यानी कि चिंड चीड़े के साथ इंसानी जो है यानी कि सम्मोहक चरित्र फिल्म के अंदर बतलाई गई है। और अजय देवगन अपनी जो है अपनी सामग्री के साथ बहादुरी से काम करते हैं। और ओमकरा ने ओथेलो को यानी कि नस्लवाद से अलग कर दिया था। और आश्चर्यजनक की बात यह है कि इसी रूप से अपनी जो है काली इन त्वचा का आदान प्रदान अजय देवगन ने किया था। और साथ ही अपना संगीत के साथ जो है अर्थ इंसान थी ब्रह्मा वान के साथ अजय देवगन का सबसे अच्छा यानी कि अंश और साथ ही सर यानी कि सन या मित होने पर होता है। और जब जो है थोड़ा सा देखा जाता है जो उनके चरित्र को महसूस कर सकती है जब तक कि फिल्म ख़त्म हो जाती है तब तक जो है आप यानी कि उनके साथ महसूस करते हैं कि वह कितने ठोस सबूत के साथ फिल्म में अभिनय करते हैं। फिल्म के बारे में तरुण आदर्श ने कहा अजय देवगन अपने प्रेमी की वफादारी के बारे में और साथ ही अनिश्चितता के साथ जो है इनकी प्रेत वधित के साथ व्यक्तित्व के लिए एक जो है इनकी उत्तेजक और साथ ही शक्तिशाली जो है इनकी व्याख्या करते हैं। अजय देवगन ने जो कि गंभीर रूप से धारण किया गया है वह उसे जो है टी के लिए इन साथी उपयुक्त है। और साथ ही बेशक जो है अजय देवगन फिल्म में इन साथी असाधारण है और हर यानी कि इंच जो है चरित्र को दिखाते हैं कि चित्रित करते हैं। अब जो 2006 में अजय देवगन ने रोहित शेट्टी की गोलमाल फिल्म में अभिनय किया था। गोलमाल में भी अभिनय किया था। इसके दो सीक्वल बनाए गए थे गोलमाल रिटर्न और गोलमाल 3 थे।
80 वर्ष अजय देवगन को 2005 की मुंबई के बात के बारे में एक जो है लघु एवं साथ ही वीरता चित्र द और साथ ही ओकेनिंग में चित्रित किया गया था। साल 2007 में अजय देवगन ने दो फिल्मों में निर्देशित किया था, अनुभव सिन्हा की एक्शन थ्रिलर मूवी कैश और राम गोपाल वर्मा की आग फिल्म में अभिनय किया था, जो 2008 में अजय देवगन ने राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित की गई सामाजिक फिल्म जो है हल्ला बोल में अभिनय किया था। कलाकारों में पंकज कपूर एवं साथ ही विद्या बालन भी शामिल थे। यह फिल्म जो है यानी कि कार्यकर्ता एवं साथ ही सफर यानी कि उनके साथ जो है सफदर हाशमी के जीवन पर आधारित मूवी है, जिसे 1989 में नुक्कड़ नाटक के साथ जो है हल्ला बोल फिल्म में प्रदर्शित करने के समय में उनके साथ राजनीतिक में उद्धृत किया गया था। दोस्तों सिवाय फिल्म को 28 अक्टूबर 2016 को दिवाली वीकेंड पर रिलीज की गई थी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और बॉक्स ऑफिस से 50 से अधिक दिनों तक ये मूवी चली थी। इसने 2017 में सर्वश्रेष्ठ विशेष यानी कि प्रभाव के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इसने जीता। इसे 17 जून 2017 को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर महोत्सव के लिए 2017 में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों फिल्म की कहानी की अगर हम बात करते हैं सिवाय फिल्म में अजय देवगन को इस फिल्म में सिवाय मूवी में सिवाय के रूप में लिया गया है। एक कुशल यानी कि पर्वतारोही इंसान है जो कि पर्यटकों को ट्रैक करते हैं और चढ़ाई अभियान प्रदान करके जीवन यापन करता है। एक दिन वह यानी कि ओल्गा एरिका कार से मिलता है और उसे जो है कि हिम्मत खलन से बचा लेता है। वह अंततः दोनों प्यार में पड़ जाते हैं एंड ओल्गा गर्भवती हो जाती है उसे प्यार से, लेकिन बच्चा नहीं चाहती और अजय देवगन उसे बच्चा देने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके बाद वह उसे नहीं रोकेगा। 9 साल बाद सिवाय अपनी जो है इनकी मूक बेटी गौरा को लेकर इन साथी अभी गैल जो है एम्स के साथ एक जो है इनकी खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि ओल्गा अभी भी जीवित है और बुल्गारिया शहर में है। गौरा को जोर देकर कहती है कि सिवाय को बुल्गारिया ले जाया जाए और अपने पुराने दुखों के बावजूद जो है सिवाय अंततः उसे बुल्गारिया से ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, जहां पे वह एक छोटे बच्चे को बाल तस्करों से बचाते हैं और उनके साथ सिवाय को ओल्गा का पता लगाने में भारतीय इन दूतावास की मदद लेते हैं और उसे अनुजैन के शायसा सहगल को सौंप दिया जाता है। बता दें दोस्तों व्यापारी इन साथी उस तिनाव के साथ जो है उसके दाहिने हाथ के साथ जो है अनदेखी यानी कि जांचेंगे कि नेतृत्व में तस्कर जो है सिवाय के पीछे आते हैं और गौरा का अपहरण कर लेते हैं। सिवाय वैन का पीछा करता है, जिस वैन में उसको ले जाया जाता है उस वैन का पीछा अजय देवगन करते हैं। विभिन्न कारों को नष्ट कर दिया जाता है उसी के बीच, लेकिन वैन खो जाती है उन्हें बीच में और बुल्गारिया पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजय देवगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर जो हत्या और तस्करी का आरोप लगाया जाता है। पुलिस वैन में रहते एक जो है इनकी सिवाय वैन में अधिकारियों को एक ही यानि कि नकाबपोश तस्कर होने की कल्पना करता है, उन पर हमला करता है, हर एक अधिकारी को बाहर निकाल देता है। वैन गलती से एक बांस से गिर जाता है और पुलिस को लगता है कि सिवाय मर चुका है, लेकिन सिवाय अपने हुनर की वजह से वैन से कूदकर भाग निकलता है। बता दें दोस्तों सिवाय जो है बच जाता है किसी भी तरह इन वेश्याओं में से एक को वैशाले से मदद करने के लिए अनु के घर लाता है, जहां पे अनु जिसने पहले सिवाय को गलत समझा था उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इन साथ ही ओल्गा अब जो है सिवाय का टेलीविजन कवरेज देख चुकी है और बता दें दोस्तों उससे मिलती है और उसे जो है कि जुड़ जाती है और सिवाय के विभिन्न पीछा करने वाली इन साथ ही सीसीटीवी फुटेज को जो है कि पुनर्प्राप्त करने के लिए वहां पे वहाँ फिर जो है कि बीट दास की मदद लेते हैं, जहाँ पे उनके साथ जो है कि युवानों बीच और साथ ही उस तीनों के गुर्गे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनके गुंडे वहाँ पर चले जाते हैं, बुरी तरह से उनको पीटा जाता है, जिसके बाद वह जो है कि उस तीनों के साथ उनका खुलासा करते हैं कि जहां पे शिवाय को पता चलता है कि गौरा को देह व्यापार में बेचने के लिए ले जाया गया है। बता दें दोस्तों सिवाय अपनी बेटी को रोमानिया ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट वैन का पीछा करते हैं। एक लंबी और साथी जो है शातिर लड़ाई तब शुरू होती है जब जो है कि चेंजेस के साथ जो अब जो है बुल्गारिया पुलिस के कप्तान यानी कि निकोलाई के रूप में प्रकट होते हैं, सिवाय पर हमला करते हैं, लेकिन बाद में उसे जो है मार दिया जाता है और गौरव उनके साथ बुल्गारिया के साथ फिर से मिल जाते हैं, जो अब एक धनी इन साथी बुल्गारिया से शादी कर चुकी है। गौरा को हर यानी कि आराम प्रदान करने वाले
आराम प्रदान कर सकती है। इन सिवाय गौरा को खोना नहीं चाहता है, लेकिन यह देख कर कि ओल्गा अब उसे जो है विनती करती है कि भारी मन से हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ता है, जहां पे गौरा आती है और उसे न छोड़ने का अनुरोध करती है। दोस्तों, इस फिल्म को 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज किया गया था, जो कि जर्मनी, फ्रांस, इटली में भी इस मूवीज़ को रिलीज किया गया था। साथ ही साथ बता दें दोस्तों, फिल्म के रनिंग टाइम को 19 मिनट को कट कर दिया गया था और उनके साथ नए ट्रिम के लिए एक संस्करण को सिनेमाघरों में जारी किया गया था, जो 27 अक्टूबर 2016 को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया था कि उनके साथ ऐश्वर्या घोषित के साथ जो फिल्म समीक्षक जो है कमाल आर खान ने ट्विटर पर फिल्म का शुरुआती दृश्य जो है अपलोड किया था, जिसे उन्होंने दुबई के एक थिएटर में शूट किया था, जहां पे निर्माता अजय देवगन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि वह खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। बॉलीवुड हंगामा ने सिवाय फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दी है। सिवाय एक जो है आदर्श इंसान ही भावनात्मक थ्रिलर मूवी है, जो अपने लुभावने दृश्यों को उर्धर्त एक्शन और साथ ही उच्च यानी कि ओकाटा टाइम के साथ प्रदर्शन के कारण उच्च स्कोर करती है। बता दें दोस्तों, दैनिक इन साथी जागरण ने फिल्म को भावना और साथ ही एक्शन से भरपूर बताते हुए 3.5 का मूल्यांकन किया था। मुंबई मिरर ने भी फिल्म को 3.5 का ही दर्जा दिया था। इसमें कहा गया है कि फिल्म अधिकांश खातों में काफ़ी स्कोर करती है और बॉलीवुड लाइफ ने फिल्म को 3.5 का दर्जा देते हुए लिखा है। अजय देवगन का निर्देशन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी तरह से रखी गई है। दोस्तों, फिल्म के बारे में न्यूज़ 18 के लिए राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा है, अजय देवगन जिस स्टार के हकदार थे वह एक तेज इंसानी निर्देशक और बेहतर जो स्क्रिप्ट थी। अंत में सिवाय मूवी के लिए आंखों में पानी भरने वाले स्थानों हिमालय और बुल्गारिया दोनों के अलावा और कुछ जो है नहीं है। और बता दें दोस्तों, कभी कभी अजय देवगन और उनकी बेटी की भूमिका इस फिल्म में निभाने वाली छोटी लड़की के बीच जो है साथ ही मर्मिक क्षण होते हैं। बाकी सब शोर बताई गई है। बहुत ज़्यादा और द हिंदू के लिए लेखन इंसाती नम्रता जोशी ने टिप्पणी की है कि फिल्म बहुत धीमी गति से चलती है और बस एक कहानी के साथ जो है लगभग 3 घंटे लंबी हो जाती है। मूवी इन फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेडी कैड ने वर्णन किया है कि एक भारी भरकम जो है अतीत के साथ इंसाती विस्तारित फिल्म के रूप में फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दिया। इंडिया टुडे की अनन्या भट्टाचार्य ने छायांकन की प्रशंसा की, लेकिन लेखन की आलोचना की थी। Rediff.com के राजा सिंह ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दिया है। तो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में हमने इस मूवी को एक्सप्लेन किया है, इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो और सिवाय फिल्म आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। रहे हैं और लीड रोल में दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। तो इस फिल्म को राजेश सर डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बातें करें तो रुद्र वाय नील क्रॉस के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया गया है, जो कि क्राइम ड्रामा ये मूवी है और पैसोलॉजिक थ्रिलर फिल्म है, जो कि ये मूवी सीरियल ड्रामा में रिलीज होगी। और ये एक मूवी नहीं बल्कि एक टीवी सीरीज है, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग किया जाएगा। और ये एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसे 2022 में 4 मार्च को रिलीज किया जाएगा। जब ये रिलीज होगी तो हम देखेंगे कि इसको कितना TRP मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रोड्यूसर के बारे में। तो इस फिल्म को BPC स्टूडियोज इंडिया के तहत जो है बनाया जा रहा है और सारी अप लेआउट एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत भी इसको बनाया जा रहा है और साथ ही स्टार इंडिया चैनल पे भी ये देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी रुद्रा फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे और इसकी फुल नेम के बारे में हम बातें करें तो रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस इस मूवीज़ का फुल नेम है। दोस्तों, आप लोगों को पता है अजय देवगन सर की मूवी कोई भी आती है तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है और फिल्म को सुपरहिट होना ही पड़ता है, क्योंकि अजय देवगन जैसे स्टार कास्ट फिल्म हो और मूवी फ्लॉप हो, ऐसी कुछ बातें जो है समझ में नहीं आता है दर्शकों को। दोस्तों, इस फिल्म का टीजर को रिलीज किया गया तो टीजर को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया और काफ़ी लोग जो है सराहा भी है। अगर आप लोगों ने इस फिल्म का टीजर नहीं देखा है तो सबसे पहले इस मूवी का आप टीजर देख लीजिए। रुद्र मूवी भारतीय आगामी मनोवैज्ञानिक अपराध थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन है, जो कि श्रृंखला में आएगा, एपिसोड करके रिलीज होंगे और कितना एपिसोड होगा ये भी अभी पता नहीं है। ये एक श्रृंखला है जो कि ब्रिटिश टीवी शो पर जो है लूथर पर आधारित है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए बनाई गई है। इस सीरीज में अजय देवगन, ईशा देओल और उनके साथ राशि खन्ना है मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। रुद्र द एज ऑफ द डार्कनेस मूवी जो है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस ये इसका फुल नेम होगा, जो मुंबई पर आधारित एक जो है रोमांचक थ्रिलर टीवी सीरीज है, जो बेहद जो है बुद्धिमान अपराधियों और उनका शिकार करने वाले जासूस के दिमाग में उतारती है।
श्रृंखला के प्रत्येक एपिसोड में एक नया खतरा सीन दिखाई देगा। भले ही व्यापक श्रृंखला यानी कि चाप पर रहे हो, लेकिन चाप जारी है जिसमें गंभीर व्यक्तिगत जो है लगत को चित्रित किया गया है, जिस पर DCP रुद्र वीर सिंह अपराधियों और हत्यारों का पीछा करते हैं और इसमें जो है यानी कि अलिया एक प्रतिभाशाली साथी जो है समाजोपत के साथ उनकी दोस्ती की संभावना नहीं है। इस फिल्म की उत्पादन के बारे में हम बातें कर तो अप्रैल 2019 में जो है यानी कि अपलाश एंटरटेनमेंट ने हिट जो है BBC One ड्रामा सीरीज जो है लूथर के रीमेक के अधिकार हासिल कर लिए हैं और अप्रैल 2021 में Disney+ Hotstar ने औपचारिक रूप से शो की घोषणा की थी, जिसमें अजय देवगन को यानी कि अप्लास एंटरटेनमेंट और BBC स्टूडियोज इंडिया के प्रोडक्शन के साथ जो है मुख्य भूमिका निभाने के लिए जोड़ा गया था। अप्रैल 2021 में रिपोर्टर्स में कहा गया है कि अजय देवगन भारतीय रूपांतरण में वह अभिनय करेंगे और उसी महीने के अंत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार से श्रृंखला के आदेश को साथ जो है यानी कि इसकी पुष्टि की गई थी और जुलाई 2021 में देओल को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। इसी महीने के अंत में राशि खन्ना, अतुल कुलकर्णी और अश्विनी भी इसमें जुड़ गई थी और कालशेखर को भी इस फिल्म में लिया गया था और आशीष विद्यार्थी इस फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए और जनवरी 2022 में जो है यानी कि सत्यदीप मिश्रा और तरुण गहलोत को मुख्य भूमिका में लेने की पुष्टि की गई थी। 6 एपिसोड के पहले डिज्नी का प्रीमियर जो है 4 मार्च 2022 को Disney+ Hotstar पर होगा और USA में ये शो जो है इनके स्टार इंडिया के साथ जो है वितरण समझौता के तहत जो है हुलू पर उपलब्ध किया जाएगा। और प्रचार के बारे में हम बातें करें तो शो का पहले ट्रेलर Disney+ Hotstar पर यानी कि Hotstar धारा 29 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। दोस्तों इसके कई सारे सीरीज आएंगे और मेरे हिसाब से इसके जो है 6 सीरीज तैयार हो चुके हैं और ये कितने बजे के ख़त्म होगा ये पता नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हम रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे सिर्फ इस मूवीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, इस टीवी सीरीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। अभी आपको ये मूवी देखने को नहीं मिलता है किसी भी चैनल पे और मैं अपने चैनल पे सिर्फ मूवी को रिव्यू करता हूँ। मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सिर्फ यहाँ पर बतलाता हूँ। रुद्र फिल्म की कहानी एक अलग कहानी है। ये मूवी अपराध कॉमेडी फिल्म है जो कि अपराध फिल्म और कॉमेडी का एक संस्करण है जो अपराध फिल्म के सम्मेलनों के साथ जो है खेलती है और अंधेरे हास्य के पहलुओं को पेश कर सकता है और आमतौर पर वह मंद बुद्धि वाले अपराधियों या अपराध की होड को जो है दिखाते हैं जिन्हें जो है यानी कि बुदबुदाते हुए अंजाम दिया जाता है या एक यानी कि लह के एक हल्के फुल्के जो है मामले में प्रस्तुत किया जाता है। 1990 के दशक के स्वतंत्र फिल्म जो है दृश्य में इसी शैली की लोकप्रियता में जो है यानी कि उनके साथ पुनर्ता की गई थी और जिसमें जो है अपराध थ्रिलर के क्लीज को जो है कॉमिक और विनियोग के साथ जो है जोड़ा गया था। क्राइम ड्रामा ऐसी फिल्में हैं जो कि अपराधियों की नैतिक और साथी दुविधाओं पर केंद्रित होती है जो अपराध थ्रिलर से अलग है क्योंकि फिल्म जो है आमतौर पर हिंसा और जो है यानी कि गन प्ले दृश्य पर आधारित होती है। दुनिया के अधिक गंभीर और साथी अतीतवादी चित्रण पर जो है ध्यान केंद्रित कर सकता है। कभी कभी ये फिल्में द यानी कि गॉडफादर और साथी गुड फिल्म में और वंस अपन ए टाइम इन अमेरिका जैसे जो अपराध थ्रिलर के अधिक जो है यानी कि आकर्षक तत्वों के साथ जो है शुरू होती है ताकि अधिक जो है यानी कि चिंतनशील कथाओं में वह जो है विकसित हो सके। क्राइम थ्रिलर मूवी जो है सफल होकर और साथ ही असफल दोनों तरह के अपराधियों के रोमांचक तत्वों पर केंद्रित होता है जो कि उनके साथ जो है पुलिस प्रक्रियाओं के विपरीत है और कानून जो है परिवर्तन के बजाय एक अपराधी या फिर उनके साथ जो है अपराधियों के समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये फिल्में साथ ही हिंसक दृश्य और डबल जो है क्रॉसिंग डकैती और हत्यारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है क्योंकि उनके जो है केंद्रीय तत्व और उच्च यानी कि श्रेणी के जोसेफ और न्यूट होता है। और मुख्य लेख के बारे में हम बात ही करें तो डकैत फिल्म जो है डकैती के इर्द गिर्द घूमती है। भारतीय सिनेमा की एक शैली हिंदी फिल्म है उद्योग सहित जो इसी शैली का नेतृत्व महबूब खान की ओर से किया गया था जो 1940 और मदर इंडिया फिल्म 1957 ने
किया था और अन्य जो यानी कि उदाहरणों में जो है यानी कि गंगा जमुना फिल्म 1961 और शोले फिल्म 1975 और साथ ही जो है बैंडिक क्वीन फिल्म जो है 1994 शामिल है। इस तरह की मूवी जो है शामिल है जो कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं और इन सब में जो है चोरी का सीन और एक्शन थ्रिलर सीन को दिखलाया गया है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे अजय देवगन सर की टीवी सीरीज को जिसे 2022 में रिलीज़ किया जा रहा है और ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसे 2022 में आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे, फ्री में आप इसको कहीं से भी नहीं देख सकते हैं। दोस्तों ये तो आप लोगों को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते। आई होप कि आप लोग को हमारा आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। गैंगस्टर फिल्म ज़्यादातर ऐसी फिल्में हैं जो कि गैंगस्टरों की आपराधिक और गतिविधियों का वह जो है इनकी महानदंड करती है, अक्सर उन्हें अपनी जो है कहानियों में नायकों तक पहुंचाती है। गैंगस्टर फिल्मों की सबसे जो है पुरानी शैलियों में से एक है। उदाहरण के तौर पर जो है यानी कि अंडर वर्ल्ड और लिटिल के साथ जो है सीजर और स्कारसेफ के रूप में जो है डेटिंग दिधित्य और विश्व युद्ध के बाद जो है अंडर वर्ल्ड यूएस जैसे कि फिल्मों के साथ ये फिल्में जो है तेजी से हिंसक और खतरनाक हो गई है। इन फिल्मों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर जो है यानी कि हांगकांग जापान और फ्रांस में भी बनाया गया है। मुख्य लेख हिस्ट और फिल्म के बारे में हम बातें करें तो यह फिल्म चोरी या डकैती करने का प्रयास करने वाले अपराधियों के एक समूह के साथ जो है यानी कि इसके संभावित और साथ ही परिणामों से संबंधित है। हल्की टोन वाली डकैती वाली फिल्मों को सिपन उनके साथ जो फिल्म कहा जाता है और साथ ही उदाहरणों में द किलिंग और साथ ही उनके साथ जो है ओशंस 11 डॉग के साथ जो है उनके साथ आफ्टरनून और रिज वायर डॉग्स और द टाउन शामिल होते हैं। एक भारतीय सिनेमा अपराध फिल्म शैली जो कि अक्सर हिंदी फिल्म उद्योग में निर्मित होती है। यह शैली अक्सर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम और उनके साथ जो है कंपनी जैसी जो वास्तविक मुंबई अंदर वर्ल्ड गैंगस्टरों से प्रेरण लेती है। इसी शैली की शुरुआत जो है सलीम जावेद की जंजीर 1973 में रिलीज हुई थी और दीवार फिल्म 1975 ने रिलीज हुई थी जिसमें जो है अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। अन्य उदाहरणों में डॉन फ्रेंचाइजिंग म्यूजिशन 1978 में रिलीज हुआ था। 2012 में नायक फिल्म रिलीज हुई थी। 1986 में जो है सलाम बॉम्बे फिल्म रिलीज हुआ था और परिंदा मूवी सत्या फिल्म कंपनी 2002 में ब्लैक फ्राइडे फिल्म 2004 में इस्लाम डॉग मिलियनेयर फिल्म रिलीज हुआ था और 2008 में वंस अपन ए टाइम इन मुंबई 2010 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मुख्य लेख पुलिस और प्रतिक्रियात्म के बारे में हम बातें करें तो पुलिस जो है प्रक्रियाएँ ही उनके साथ वाकया उनके साथ जो है बैन नाइट इन द हीट ऑफ द नाइट मेडिकल मूवी होती है जो कि फ्रेंच कनेक्शन के साथ जो है मुख्य आधार ही बन जाता है। साथ ही प्रिजन फिल्म एक जो है प्रकार की अपराध फिल्म है जो जेलों के साथ रहने की कठिन और परिस्थितियों पर केंद्रित होती है और साथ ही कभी कभी जो है जेल के बाहर के जीवन को यानी कि समय आयोजित करने वाले कैदियों पर ध्यान केंद्रित करती है। फिल्मों में केवल उनके साथ जो ग्राफिक फिल्में दिखाई जाती है जहां अपराध जेल में बड़े पैमाने पर होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे रुद्रा फिल्म को जो एक एक्शन थ्रिलर टीवी सीरीज होने वाला है और ये टीवी सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा। आप इसको अन्य कहीं से भी नहीं देख सकते। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बतला रहे हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। इस वीडियो में हम रुद्रा मूवी को एक्सप्लेन करें जिसमें अजय देवगन ईशा गुप्ता ने अभिनय किए हैं और ये एक मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे 4 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अभी कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ भी दिखेगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। ये फिल्म अपराधियों फिल्म अक्सर जो यानी कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है या उनके साथ जो है नाटकों और साथ ही उपन्यासों का रूपांतरण होती है या पिछली फिल्म की रीमेक
एक या उनके साथ जो है अपनाने वाली होती है। कुछ जो है यानी कि कथानक और मौलिक पर और साथ ही पूर्णतः काल्पनिक है। उनके साथ जो उदाहरण के लिए गवाह फॉर द साथी, उनके साथ 1957 का फिल्म संस्करण उस नाम के 1953 के मंचीय नाटक का रूपांतरण होता है, जो बदले में अगाथ और उनके साथ जो है क्रिस्टी की लघु कहानी पर आधारित है, जिसे जो है मूल रूप से 1933 में प्रकाशित किया गया था। फिल्म संस्करण जो है 1982 में फिर से बनाया गया था और वहाँ अन्य जो है अनुकूलन रहे हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक मीडिया के अपने फायदे और सीमाएं हैं, जो कि सिनेमा के मामले में समय की कमी होती है। अभियोजन पक्ष का गवाह रखा गया था और साथ ही अदालत ने नाटक का एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण बतलाया है। एक कोर्ट रूम ड्रामा में मुख्य पात्रों में से एक के खिलाफ जो है आरोप लगाया जाता है जो कि निर्दोष होने का दावा करता है। वह अन्य एक प्रमुख भूमिका वकील इंग्लैंड में एक जो यानी कि बैरिस्टर धारा जो है निभाई जाती है, जो कि अदालत में साथ ही प्रतिवादी का उनके साथ प्रतिनिधित्व करती है और सरकारी अभियोजक से जो है यानी कि जूझती है। वह यह पता लगाने के लिए एक निजी और साथ ही अन्य होवेश्य की उनके साझे सेवाएं ले जा सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और असली अपराधी कौन है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में यह जो है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं की जा रही है जो कि आरोपी अपराध का दोषी है या नहीं। इस तरह के उनके साझे सस्पेंस पैदा करता है। अक्सर निजी उनके साझे अन्वेषण अदालत के ध्यान में एक नई और उनके साझे महत्वपूर्ण जानकारी लाने के लिए अंतिम समय में अदालत कक्ष में जो है इनकी घुस जाते हैं। इसी प्रकार का उनके साझे हिस्सा है और महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए अंतिम समय में अदालत कक्ष में घुस जाते हैं। इसी प्रकार का साहित्य नाटक की साहित्य उनके साझे शैली के लिए उधार देते हैं, जो कि सन्मान शुरुआती और उनके साझे समापन बयान गवाहों की गवाह दिया जाता है आदि पर अधिक है और केंद्रित है, जो कि दृश्यों में बदलाव के लिए बहुत कम या कोई भी यानी कि आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही थिएटर का साथ ही उनके साझे सभागार कोर्ट रूम का विस्तार बन जाता है। जब एक कोर्ट रूम में जो है ड्रामा फिल्माया जाता है तो पटकथा लेखकों और निर्देशकों द्वारा नियोजित पारंपरिक जो है यानी कि उपकरण फ्लैशबैक का लगातार उपयोग होता है, जिसमें जो है अपराध और इसमें जुड़ी हुई हर चीज़ को जो है विभिन्न कोनों से सुनाया और फिर से जो है बनाया जाता है। एक जो है क्लासिक कोर्टरूम ड्रामा और अमेरिकी नाटककार से जो उनके साथ जो है यानी कि रेजिनाल्ड रोज का ट्वेलट और एंग्री मैन होता है, जो 1954 है, जो न्यूयॉर्क कोर्ट और ऑफ लॉ के जूरी विचार और उनके साथ जो है विमर्श कक्ष में स्थापित होता है। जूरी के गहरा और साथ ही सदस्य दोषी के सर्वसम्मत फैसले के उद्देश्य में इसे जो यानी कि जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और वह वास्तव में अपने जो है सामान्य उद्देश्य को जो है उनके साथ प्राप्त करने में सफल होंगे यदि यह आठवें जुरर उनके साथ 1957 की फिल्म अनुकूलन में हेनरी और साथ ही फोटा धारा निभाई गई है तो फिर नहीं थे और दूसरे विचारों पर अपने जो है यानी कि सहयोगी को यह विश्वास दिलाना अपना जो है कर्तव्य मनाने की है और प्रतिवादी निर्दोष हो सकता है और आखिर उनके साथ जो ऐसा करके बहुत चर्चा और भ्रम यानी कि क्रोध को जो है यानी कि ट्रिगर करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अजय देवगन की रुद्रा फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बतला रहे हैं। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को रिव्यू करें, जो कि एक टीवी सीरीज है और इस फिल्म में अजय देवगन, ईशा देओल एंड राशि खन्ना ने अभिनय किए हैं और ये क्रिमिनल ड्रामा टीवी सीरीज होने वाला है, जो कि काफ़ी बेहतरीन टीवी सीरियल है और इस सीरियल को आप जो है 4 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी को रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बतला रहे, जो कि पैस्कोलॉजिकल थ्रिलर एक गेम है जिसे 2022 में रिलीज किया जाएगा और फिल्म से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को बतला रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की अननोन फैक्ट को लेकर हाजिर हो चुके हैं और आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है।
साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक अलग सी मूवीज होती है जो कि साइकोलॉजिकल फिक्शन शैलियों को मिलाकर एक शैली है। यह आमतौर पर साहित्य या फिल्मों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक थ्रिलर या उनके साथ रोमांचकारी सेटिंग में मनोवैज्ञानिक कथाओं पर निपटाने के लिए होता है। साथ ही संदर्भ और परंपरा के संदर्भ में यह यानी कि व्यापक रेंज वाले थ्रिलर कथा और साथ ही संचालना की जाती है उप शैली है। गथिक तौर पर जासूसी कथा के समानता के साथ जो कभी कभी वास्तविक की साथी भंग और साथी भावनाओं होने के अर्थ में वजूह है अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से साथी तनावग्रस्त पाते हैं। तनावग्रस्त पात्रों के दृष्टिकोण के माध्यम से बताया जाता है कि उनकी विकृत और साथ ही उनके साथ जो है मानसिक धारणाओं को प्रकट करता है और जुनूनी रोग संबंधी जो है पात्रों के बीच जो है जटिल और अक्सर जो है यानी कि अक्सर जो है अत्याचारी संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में अक्सर जो है रहस्य नाटक और एक्शन और ब्याहों में तत्व शामिल होते हैं और शैली जो है यानी कि निकटता में संबंधित है और कभी कभी जो है मनोवैज्ञानिक डरावनी है और शैली के साथ जो है ओवरलैप होती है। बाद में आमतौर पर जो है यानी कि अधिक और डरावनी है और आतंक आदि तत्वों और साथी विषयों पर उनके साथियों अधिक परेशानियां साथियों यानी कि भयप्रदी शामिल होते हैं। पीटर हिंचक का कहना है कि वह जो है साथी विनम्र और फिल्मों को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में लेबल किया गया है लेकिन यह आम तौर पर घरेलू और साथी सेटिंग्स के साथ कथाओं को संदर्भित करता है जिसमें जो है कार्रवाई को दबा दिया जाता है और जहां जो है प्रमुख पात्रों के मनोवैज्ञानिक की जाँच के बजाय रोमांचक जो है प्रदान किया जाता है कि एक जो है विशिष्ट और साथी विशेषता एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर यह अपने पात्रों की साथी जो है यानी कि मानसिक और स्थिति पर जोर देती है उनकी धारणा और विचार जो है यानी कि विकृतियां हैं और वास्तविकता को जो है समझाने के लिए एक जो है सामान्य संघर्ष भी करता है। निर्देशक जानबूझ के मैडेन ने अनुसार जो है मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कहानी चरित्र और साथी जो है विकास पसंद किया है और उनके साथ जो है नैतिक संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भय और चिंता जो है मनोवैज्ञानिक तनाव के साथ ही अप्रत्याशित तरीके से चलाते हैं और मैडेन ने कहा है कि उनके तमाशों की कमी और चरित्र पर जो है जोर देने से हॉलीवुड की लोकप्रियता में जो है गिरावट आई है और पात्रों के उद्देश्यों और ईमानदारी और जो है दुनिया को कैसे देखते हैं इसी पर जो है यानी कि अनिश्चितता का फायदा उठाकर उनके साथ जो है मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और साथ ही रहस्यपूर्ण है। फिल्म में भी दर्शकों को उनकी जो है सूचनाओं के साथ जो है परेशानी का कारण बन सकती है जिन्हें वह पात्रों के साथ जो है साझा करना चाहते हैं और दोषी पात्र जो है अपने ज्ञान के आधार पर जो है यानी कि समान कष्ट यानी कि झेल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे रुद्र फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में बतला रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे रुद्र मूवी को। ये एक मूवी नहीं बल्कि टीवी सीरीज है जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग किया जाएगा और ये अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम इस मूवी को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बतला रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हालांकि जेम्स एन फ्रेम में जो है मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को एक उप शैली के बजाय जो है एक शैली के रूप में परिभाषित करते हुए फ्रेंड के साथ जो है कहते हैं कि अच्छे थ्रिलर अपने विरोधियों के साथों मनोवैज्ञानिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और स्पष्टता के माध्यम से धीरे धीरे रहस्य का निर्माण करते हैं। निर्माता और यह फिल्म जो है वितर्क या प्रकाश जो ड्रावनी और साथ ही नकारात्मक अर्थों से खुद को जो है दूर करना चाहते हैं अक्सर अपने काम को एक जो है वैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत करते हैं और वही जो है स्थिति तब हो सकती है जब आलोचक जो है किसी काम को उसके कथित और साथ ही साहित्यिक मूल्यों को ऊपर उठाने के लिए एक जो है मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में लेबल करते हैं। प्लॉट के बारे में हम बातें करें तो इसकी कहानी साइको और स्केलेटन की कहानी जैसी है और फिल्मों ने इस तथ्य का विज्ञापन किया है कि उनमें से प्लॉट और साथ ही ट्विस्ट कहानी की ट्विस्ट है और अलग जो है दर्शकों से साथ ही स्पॉइलर को प्रकट करने में बचाने के लिए कहा गया है। द विलेज जैसी जो है खराब प्लॉट और साथ ही ट्विस्ट वाली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को बॉक्स ऑफिस पर जो है नुकसान हुआ था और अविश्वसनीय
कथाकार जो है उनके साझो अविश्वसनीय कथाकारों को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में से इस्तेमाल किए जाने वाले एक जो है सामान्य साहित्य के उपकरण के रूप में पहचानता है और शैली पर जो है यानी कि एडगर और एलन पो के साझो है प्रभाव का पता लगता है कि एक विषय के रूप में आपराधिक जो है यानी कि पागलपन की जो है खोज की जा सकती है और उनके साथ जो है मैक गफिन और साथ ही जो है अल्फ्रेड के साथ जो है अवधारण का बीड़ा उठाया जाता है और लक्ष्य या वास्तु जो कि उनके साथ जो है यानी कि साजिश को शुरू करती है या फिर अन्य आगे जो है यानी कि बढ़ावा देती है। साथ ही मैक गिफ को जो है अवसर जो है केवल और अस्पष्ट रूप से जो है यानी कि परिभाषित किया जाता है और इसका उपयोग जो है यानी कि रहस्य को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। रेड में जो है हेरिंग को साथ ही जो है विलियम और फोवेट धारा जो है लोकप्रिय बनाया जाता है और इसे एक प्रकार की जो है यानी कि भ्रांति के रूप में जो है यानी कि परिभाषित किया जाता है जो कि दर्शकों का ध्यान हटाने के लिए पेश किया गया है और साथ ही अपराध संसिंग और विषय हैं जो कि दर्शकों को गलत उनके साथ जो है धारणाएँ बनाने और उनका ध्यान जो है भटकाने के लिए लाल और हेंग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रुद्र फिल्म को जिसे अभी रिलीज नहीं किया गया है और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को वीडियो में बतला रहे हैं। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक दीजिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे बतलाया जाता है। हम किसी भी कंपनी के फिल्म को यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखे हैं। पिछले वर्षों में कई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जो है सामने आए हैं। सभी विभिन्न मीडिया और फिल्म जो है साहित्य रेडियो और आदि में प्रतिनिधित्व के इन जो है बहुत और साथ ही भिन्न रूपों को जो है बावजूद पर उनके साथ जो है पूरे जो है इनके आख्यान में सामान्य रुझान जो है दिखाई दिए हैं और इनमें से कुछ जो है यानी कि उनके साथ सुसंगत विषयों में जो है शामिल होते हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में पात्रों को अक्सर जो है एक जो है आंतरिक संघर्ष से जूझना पड़ता है और भूलने की बीमारी एक जो है सामान्य प्लॉट और साथ ही डिवाइड्स है जिसका जो है उपयोग इन जो है यानी कि सवालों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चरित्र को जान से मारने की धमकी दी जा सकती है और दूसरों की मौत से जो है यानी कि निपटने के लिए मजबूर किया जा सकता है या अपनी खुद की मौत का जो है यानी कि फर्जी वादा किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जटिल हो सकते हैं और साथ ही समीक्षक जो है इसके रहस्य को समझाने के लिए दूसरी या तीसरी बार जो है देखने की सिफारिश कर सकते हैं और साथ ही सनसनीखेज उपन्यास पर जो है प्रारंभिक और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के उदाहरण उनके सेक्स और हिंसा के विषयों के कारण जो है सामाजिक रूप से गैर और जिम्मेदार माने जाते थे। उपन्यास दूसरों के बीच जो है यानी कि वास्तविक जीवन के जासूस जैक उनके साथ जो है यानी कि बहिज के साम जो है यानी कि कार नामों से उनके साथ जो है प्रेरित थे और पानी विशेष रूप से बाढ़ अक्सर और अचेतन मन का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वहाट और लाइट के साथ जो है यानी कि विनीत एंड इनके साथ जो है ड्रीम्स मनोवैज्ञानिक थ्रिलर हमेशा उनके साथ जो है प्रशंसनीय से संबंधित नहीं हो सकती है और पीटर जो है यानी कि हिचिन के साथ जो है मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की एक जो है यानी कि उतावली उपशैली और उनके साथ जो है जियालो को हिंसक हत्या के रहस्यों के रूप में जो है परिभाषित करते हैं जो कि उनके साथ जो है तर्क संगता पर शैली और साथ ही तमाशा पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के पीटर की साथ जो है यानी कि फ्लिंट के अनुसार जो है यानी कि अल्फ्रेड और हिचकिचा के जो है विरोधियों ने उन पर जो है यानी कि चलाक चाल और साथ ही अतार्किक कहानी लाइनों और साथ ही जंगली संयोगर पर जो है यानी कि भरोसा करने का आरोप लगाया गया था। पटकथा लेखक और निर्देशक के बारे में हम बात तो बैन एंडर्स ने उनके साथ जो है एथन और एंडर्टन्स के साथ जो है मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को आदित्य बताते हैं और साथ ही जो है स्मृति हानि के विषय को जो है कवर करते हैं। साथ ही जो है डारियो और अर्जेंटीना इताल न्यूवी के निर्देशक जो है यानी कि जियालो हॉरर और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में अपनी पंद फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर जो है यानी कि इतालवी और हिचकिचाहट कहा जाता है और साथ ही डेरेन ने जो है अक्सर यानी कि उनके साथ जो है पागलपन
पूर्णता की खोज किया है और मनोवैज्ञानिक विषयों को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं टेलीविज़न के बारे में, और टेलीविज़न उसको कहा जाता है जो कि रेडियो प्रोग्राम में शुरू होता है। एक धारावाहिक एक ऐसे शो है, एक शो ऐसा होता है कि जिसमें एक जो है यानी कि सतत और कथानक होते हैं जो कि क्रमिक एपिसोड दर और एपिसोड जो है फैशन में सामने जो है आते हैं। सीरियल आम तौर पर मुख्य कहानी आर्क का अनुसरण करते हैं जो पूरे टेलीविज़न सीजन या उनके साथ यहां तक कि श्रृंखला के पूर्ण रन तक जो है इनकी फैले होते हैं, और कभी कभी जो है इनकी स्पिन ऑफ जो उन्हें एपिसोड की टेलीविज़न से अलग करता है जो अधिक स्टैंड और अलोन के साथ जो है एपिसोड पर निर्भर करता है। दुनिया भर में ओप और साथ ही ओपेरा जो है धारावाहिक नाटकीय प्रोग्रामिंग का सबसे जो है इनकी प्रमुख रूप है। युग में यह जो है धारावाहिक प्रसिद्ध जो है यानी कि साहित्य कृतियों के यानी कि उनके साथ जो है प्रत्यक्ष और रूपांतरण के रूप में शुरू हुआ था जिसमें जो है आमतौर पर कुछ एपिसोड शामिल थे। धारावाहिक की कहानी के बारे में बात कर तो पूरी तरह से कहानी प्रकृति को छिपाए गए हैं और छिपाए रखने और साथ ही एपिसोड दर एपिसोड जो है बनाए गए थे और खुलासा करने वाले तत्वों पर जो है भरोसा करते हैं और ताकि दर्शकों को यानी कि साजिश का पालन करने के लिए हर एपिसोड में ट्विन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अक्सर ये शो जो है इनकी शुरुआत में रिकैंपिंग होते हैं और साथ ही सेगमेंट और प्रत्येक एपिसोड के अंत में उनके साथ जो है क्लिफ यानी कि क्लिफ हैंगर्स का उपयोग किया जाता है। VCR और उनके साथ जो है DVR जैसे रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ जो है यानी कि आविष्कार ने इसी प्रकार शो का जो है इनकी अनुसरण करना आसान बना दिया है, जिसके जो है परिणाम स्वरूप जो है इनकी सफलता है और लोकप्रियता से जो है यानी वृद्धि हुई है जो कि DVR के आगमन के पहले जो है टेलीविज़न नेटवर्क ने प्राइट टाइम में जो है धारावाहिकों को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने साथ ही प्रसारण और प्रोग्रामिंग को जो है फिर से चलाना अधिक जो है कि कठिन बना दिया था, और टेलीविज़न निर्माताओं ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह यानी कि सड़क के नीच प्रसारण सिंडिकेशन के जाने के लिए तैयार थे। धारावाहिक और टेलीविज़न के साथ जो है विपरीत होते हुए एक जो है अधिक और स्वतंत्र स्टैंड जो है अलोन प्रसारण पर जो है निर्भर होता है जो कि भूखंडों के साथ और साथ ही नाटक किया जाता है। टेलीविज़न कार्यक्रम आमतौर पर एपिसोड होते हैं, कभी कभी एक जो है यानी कि सीरियल और सब प्लाट भी शामिल होते हैं। साथ ही टेलीनोवेल्स और पहले जो है रेडियो नोवेल्स के रूप में जाने जाने वाले हैं, और धारावाहिक कार्यक्रम में जो कि स्पेनिश और साथ ही पुर्तगाली भाषी लैटिन के साथ जो अमेरिका में उत्पन्न होते हैं और अक्सर जो है यानी कि उत्पादन होते हैं और दुनिया भर में लोकप्रिय होता है। शब्द धारावाहिक एक श्रृंखला के साथ ही आंतरिक जो है यानी कि संपत्ति को संदर्भित करता है, और अर्थात जो है उसका क्रम और साथ ही साहित्य में शब्दों को एक जो है प्ररूप में शामिल किया जाता है। भीतर को संदर्भित करने के लिए साथ ही यानी कि संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण एक एकल जो है इनकी आवाधिक जो है प्रकाशन के अनुक्रम के साथ जो है इनकी मुद्दों में साथ ही सन्निहित होते हैं। आमतौर पर कालानुक्रमिक जो है यानी कि किस्तों में एक कहानी बताई जाती है। साथ ही पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सामग्री के लिए किसी भी यानी कि माध्यम में उनके साथ जो यानी कि अस्तता और साथ ही भागों के उत्तर अधिकार में एक ही यानी कि शीर्षक के तहत जारी किया जाता है। आमतौर पर जो है क्रमिकता या उनके साथ जो है दिनांकित और बिना किसी यानी कि पूर्व और साथ ही निर्धारित जो है निष्कर्ष के नियमित या उनके साथ जो है अनियमित अंतराल पर प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, रुद्र फिल्म को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पर बताया जाता है। हम किसी भी कंपनी की फिल्म को यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते, आप लोग को पता है। मैं सिर्फ यहाँ पर मूवी को रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पे बतलाता हूँ। इस शब्द का उपयोग किया गया था और रेडियो या टेलीविज़न उत्पादन के लिए किया गया था।
जिसमें लगातार विकसित जो है एकीकृत कथानक और पात्रों के सेट कई जो एपिसोड में फैले हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दिन के समय के ओर से जो है दिन के समय के शोप ओपेरा में लंबे समय से एक जो है धारावाहिक यानी कि धारावाहिक रचना होती है, जो कि टेलीविजन और मिनी श्रृंखला भी आम तौर पर एक जो है धारावाहिक रूप में आती है। 1970 के दशक में जो है 1970 के दशक के मध्य में प्राइम टाइम जैसे जो है कि डलास और साथ ही राजवंश में उनके साथ शोप ओपेरा जैसी जो है कहानियों की श्रृंखला प्रसारित होने लगी थी। 1990 के दशक में द एक्स उनके साथ फाइनेंस और साथ ही उनकी सोप्रानोज जैसे शो ने जो है अधिक और धारावाहिक जो है साथ ही जो है संरचना का उपयोग करना शुरू किया है और अब जो है धारावाहिक रूप में शो की एक जो है विस्तृत श्रृंखला भी जारी कर दी गई है और यह अनुभाग को जो है यानी कि सत्यापन के लिए अतिरिक्त जो है प्रशंसा पत्र की जरूरत है। फरवरी 2009 इसी धारावाहिक की शुरुआत में 20वीं सदी की शुरुआत में जो है फिल्म और धारावाहिकों के आगमन के साझे हुई थी और टेलीविज़न के उदय और बाद में जो है फिल्म देखने वाले दर्शकों की गिरावट के साथ जो है घटते राजस्व के कारण जो है फिल्म धारावाहिक का उत्पादन बंद हो गया था, लेकिन यह धारावाहिक छोटे पर्दे की बजाय जो है आगे बढ़ता रहा और साथ ही प्रसारण जो है यानी कि सिंडिकेशन टेलीविज़न की दुनिया भर से इनकी चलती रही थी और टेलीविज़न धारावाहिक प्रारूप जिसे जो है आज जाना जाता है रेडियो में उत्पन्न हुआ था और बच्चों के साहसिक शो और दैनिक जो है 15 मिनट के कार्यक्रमों के रूप में जो है जिन्होंने शोप और साथ ही ओपेरा के रूप में जाना जाता है और साथ ही उनके साथ तथा कथित क्योंकि इनमें से कई शो जो है इनकी कोलगेट और पोमोलिव और साथ ही उनके साथ प्रोकोडर जैसे जो है साबुन कंपनियों द्वारा साथ ही प्रायोजित किए जाते हैं और साथ ही जो है ग्लैमर ऑफ के साथ जो है ओपेरा और साथ ही विशेष रूप से जो है महिलाओं और साबुन की बिक्री बढ़ाने के लिए उनके साथ जो है बढ़ाने के लिए इरादे से की जाती है और आकर्षित करने के लिए बनाए गए थे। वह आमतौर पर साथ ही उनके साथ जो सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन जो है एक ही समय पर यानी कि चलते थे और 1930 के दशक की शुरुआत में उनके साथ जो शिकागो में वेन पर जो है यानी कि हफ्ता में केवल एक रात जो है चलने वाले साथ ही स्मृति फैमिली के नामक एक शो को जो है रेडियो और साथ ही जो है यानी कि हती हास्कर फ्रांसिस जेज की दुनिया भर का जो है धारा शोप किया जाता है। ओपेरा के साथ ही परदादी के रूप में श्रेय दिया गया था और अन्य शो में से एक जो है जिसमें उनके साथ जो अग्रणी की मदद की डे टाइम शोप किया जाता है ओपेरा और धारावाहिक उनके साथ जो है गाइडिंग और साथ ही लाइट था जो कि 1937 में NBC रेडियो पर शुरू हुआ था और फिर 1952 में CBS टेलीविजन में बदल गया था और गाइडिंग लाइट का अंतिम जो है एपिसोड 18 सितंबर 2009 को प्रसारित हुआ था जिसमें जो है साथ ही CBS पर कुल मिलाकर 15,762 एपिसोड जो है तैयार हुए थे और प्रसारित हुए थे जो कि उनके साथ जो है सोप और ओपेरा में कुछ पात्रों को लंबे समय तक जो है यानी कि पीड़ित के रूप में चित्रित किया गया है। आज के सामाजिक और साथ ही आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जो है यानी कि आज के कुछ यानी कि धारावाहिकों में भी एक जो है सामान्य विषय का उपयोग किया गया था। फ्रेंड इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे रुद्र फिल्म को जो एक टीवी सीरीज है और इस टीवी सीरीज के बारे में काफ़ी अननोन फैक्ट को बतला रहे हैं। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। शेडिंग लाइट और इसी तरह के अन्य दिन के टेलीविज़न कार्यक्रम धारावाहिक जैसे कि सर्च फॉर टुमारो लव ऑफ द लाइट द यानी कि सीक्रेट और स्टारम एज के साथ जो है वर्ल्ड टर्न्स द एज ऑफ द नाइट द और साथ ही उनके साथ जो है कई सारे शैडो वन लाइफ किए गए थे। सामाजिक मुद्दों के अलावा इन शो की शैली और प्रस्तुति में बदलाव आया है जबकि 1950 और 1960 के दशक में नाटकों को पारंपरिक जो है अंग संगीत के साथ जो है यानी कि रेखांकित किया गया था और 1970 और 1980 के दशक में एक पूर्ण और ऑर्केस्ट्रा ने स्कोर प्रदान किया था और आज के दिन के नाटक और साथ ही अत्याधुनिक जो है यानी कि सीन जो है चलित और संगीत एक तरह से जो है इनकी साबुन के लिए संगीत
साबुन के लिए संगीत का उपयोग करते हैं और साथ ही जो है कीबोर्ड से साथ ही कीबोर्ड तक जो है फुल और सर्किट जो है आ गया है। रात के समय के सीरियल एक जो है अलग कहानी है, हालांकि उनके साझे अवधारण भी हो गई है। और नई बात यह है कि 1960 के दशक में ABC ने जो है पहली और वास्तविक जो है इनकी सफलता वाली रात का धारावाहिक जो है पीटन प्लेस जो है प्रसारित किया था, जो कि इसी नाम के उपन्यास और साथ ही नाटकीय फिल्म से प्रेरित था। इसके रद्द होने के बाद जो है साथ ही प्रारूप कुछ जो है हद तक की साथ ही निष्कर्ष यह हो गया था कि उनके साथ जो है नॉर्मन और लियर ने 1976 में मैरी हॉटमैन का जो है यानी कि निर्माण नहीं किया था। 1977 में ABC ने एक और जो है कॉमेडी साबुन जिसे जो है साबुन कहा जाता है और बनाया था। हालांकि यह शो अपने जो है समय के लिए विवादास्पद था और कास्ट जो है रोस्टर में एक जो है यानी कि समलैंगिक चरित्र के साथ यह एक जो है पंथ और क्लासिक था जो कि आज भी है। उनके साथ जो है डलास की सफलता ने प्राइम और टाइम जो है टेलीविजन पर धारावाहिक की कहानियों को लोकप्रिय बनाया था। इसके एंड और साथ ही ऑफ जो है सीजन और क्लिक फैन के साथ जो है जैसे JR को जो है इनकी किसने गोली मारी थी और बॉबी इन द शावर ने जो है इनकी डायनेस्टी और ABC का इनके साथ जो है यानी कि डलास को जवाब नाटक और लेडिक जो है इनकी फॉलकॉन क्रेस्ट कहा था और कोलबीज जो है इनकी फ्लेमिंग को रोड होटल द योलो रोज बेयर के साथ जो है उनके साथ जो है एसेंस और बिनस जैसे जो है अन्य शो को प्रभावित किया था। हिट जो है स्ट्रीट ब्लूज और सेंट जो है यानी कि एल्स वेयर जैसे ही कुछ जो है इनके सीरियल शो थे जो कि आधिकारिक तौर पर जो है इसी साथी श्रेणी में फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी सीजन दर जो है सीजन हिट रहेंगे। जबकि 1980 के दशक के अंतिम जो है नाइट साबुन जो है उनके साथ अगले दशक के पहले ही वर्षों के दौरान जो है समाप्त हो गए थे और फिर जो है यानी कि उनके साथ बिवर्ली हिल्स पर 90210 जो है मेल रोज फ्लैश हुए थे और एक उनके साथ जो है स्वाइन और एस्टेल पार्क में जो है इनकी वेस्ट जैसी श्रृंखलाओं के साथ एक जो है दूसरी लहर जो है आई थी। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ जो 1990 के दशक के करीब आया था आधिकारिक जो है प्रारूप के रूप में उनके साथ जो है प्राइम टाइम जो है साबुन धीरे धीरे आए थे और फीका पड़ गया था, जहां यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 21वीं सदी के पहले जो है दशक के माध्यम के रूप में जो है काफ़ी हद तक जो है बना हुआ प्रतीक होता था। दोस्तों इस वीडियो में रिव्यू कर रहे अजय देवगन सर की मूवी रुद्रा फिल्म को और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पर बतलाया जाता है। धारावाहिक कहानी कहने के अन्य नाटकों में भी देखा जा सकता है कि भारी और साथ ही धारावाहिक नाटकों में स्टार ट्रेक जो है डीप स्पेन ना इनके साथ जो है बेबीलोन 5 द साथ ही जो है इनके सोप्रानोस ट्विन और साथ ही जो है पिक्स 24 जो है यानी कि बैटल स्टार जो है कहा जाता है। ब्रेकिंग बैड ये है कि उनके साथ वायर और साथ ही डाउटन ईबे के साथ जो है शामिल है और उनके साथ जो है बाफी और वेम्पायर के साथ जो स्लेयर और ब्रोनिका साथ जो है मार्स और साथ ही होमिसाइड जो है किया जाता है। ऑन द स्ट्रीट द गुड के साथ जो है यानी कि वाइफ और द एक जो है यानी कि फाइल्स जैसी जो है श्रृंखलाएँ बीच में कहीं जो है इनकी गिरती है, जिसमें हर हफ्ते एक जो है नया मामला होता है जिसे जो है एपिसोड के अंत तक जो है हल किया जा सकता है। लेकिन एक व्यापक और साथ ही रहस्य भी है जो कई एपिसोड में जो है फोकस प्राप्त करता है। इसकी कहानी को जितना जो है अधिक जो है यानी कि क्रमबद्ध किया जाएगा किसी शो के जो है रिपीट में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना जो है उतनी ही यानी कि कम होगी। प्रारूप एपिसोड को जो है क्रम में चलाने की मांग करता है, जिसके जो है बिना कहानी कई जो है एपिसोड तक जो है फैली हुई है। नए दर्शकों के लिए इसके जो है यानी कि समझना और मुश्किल हो सकता है कि साथ ही जो है यानी कि मायूस जो है गृहिणियाँ भी इसी तरह जो है श्रेणी में आती हैं, जबकि जो है प्रत्येक सीजन में एक नया रहस्य शामिल होता है जो पूरे सीजन और साथ ही एक अवसर पर जो है आधा सीजन तक जो है फैला होता है, जबकि पूरे एपिसोड में फिनाले में चरमोत्कर्षक यानी कि संकेत देता है। कुछ हद तक ये बात है और फ्रिंज जैसी श्रृंखलाओं में चल रहे कहानी आर्क भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन एपिसोड अधिक जो है आत्मा और साथ ही संपूतिक है और
इसीलिए श्रृंखला अधिक जो है पारंपरिक नाटक और साथ ही श्रेणी में आती है। और फ्रिज ने किया है कि उनके साथ जो है अलोंस के साथ प्रयोग किया गया है और एक ही यानी कि हाइब्रिडिंग में जैसी कहानी को एक एसओ और निहित एपिसोड में आगे जो है बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अलावा यह नोट किया जा सकता है कि साहसिक शो में उनके साझो उपयोग सभी भी प्रचारित होते हैं, हालांकि अब वह आम तौर पर एक जो है व्यावसायिक ब्रेक से ठीक पहले ही उपयोग किए जाते हैं और दर्शकों को इसके जो है संकल्प को देखने के लिए केवल कुछ जो है मिनट प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कई जो है श्रृंखलाओं ने पारंपरिक एंड ऑफ द एपिसोड और साथ ही क्रीफ है जो है प्रारूप का व्यापक उपयोग किया गया है। यह भी सीजन फाइनल में सबसे आम है जो कि अक्सर जो है एक और साथ ही क्लिफ हैंजर में समाप्त होता है। इसे जो है केवल अगले सीजन के प्रीमियर में हल किया जाता है। अपने जो है चलने के दौरान जो है एक शो अपना फॉक्स जो है बदल सकता है और फॉक्स में जो है उनके साथ प्रोग्रामिंग के कार्यकारी के उनके साथ जो उपयक्ष मैट और साथ ही जेनिस कहते हैं कि कभी कभी शुरुआत में थोड़ा और साथ ही अधिक जो है एपिसोड होने से जो है कथित जो है लोगों को कमरे में आने की अनुमति मिलती है और जैसे जैसे शो जो है आगे बढ़ता है इसकी जो है प्रकृति से यह भी खुद को थोड़ा और साथ ही क्रमबद्ध हो सकता है। और अपने रनों की शुरुआत में लास्ट बफी एंजेलस का जो है उनके साथ डल हाउस किया जाता है और उनके साथ टॉर्चर्स बैसे में सोया जाता है। साथ ही स्टोरी ऑफ द वीक पर अधिक जो है जोर दिया गया लेकिन समय के साथ जो है कहानी के आर्क हावी होने लगे थे। इसके विपरीत जो है यानी कि नेटवर्क और अधिकारियों के दबाव के कारण जो है बाद में सीजन में साथ ही जो है कि अलियास एस्टेड अलोन के साथ कहानियों पर अधिक जो है केंद्रित हो गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रुद्रा फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग रुद्रा फिल्म को अभी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं जिसमें अजय देवगन ईशा देओल ने अभिनय किए हैं। ये एक टीवी सीरीज है जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग किया जाएगा 4 मार्च को। अभी है 1 मार्च यानी कि 3 दिन बाद जो है इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और जब रिलीज होगा तो हम देखेंगे इसको कितना टीआरपी रेटिंग मिलता है। जटिल कहानी और नए जो है दर्शकों के साथ साथ जो है एक एपिसोड को याद करने वाले भ्रमित जो है प्रशंसकों के लिए प्रविष्टि को और साथ ही अधिक जो है कठिन बनाकर रेटिंग पर जो है नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नेटवर्क उन्हें जो है नाटकों की तुलना में जो है जोखिम भरे के रूप में देखते हैं जो कि एक हफ्ता की एक जो है आत्मनिहित कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लॉस एंजलिस जो है टाइम्स के टाम जो है जो नील ने जो है नोट किया था वह जो है यानी कि चंचल है क्योंकि इन शो के बीच में जो है शामिल होना मुश्किल है। 2012 तक जो है यानी कि CBS ने कई जो है वर्षों में एक धारावाहिक नाटक प्रसारित नहीं किया है और आशिंक रूप से जो है सफलता के कारण इसकी गैर यानी कि धारावाहिक प्रक्रियाओं की कमी है। लॉस एंजलिस जो है टाइम्स के स्कॉट जो है साथ ही कलिंस ने कहा है कि धारावाहिक कहानी हार्डकोर उनके साथ जो प्रशंसकों और कई जो आलोचकों के साथ जो लोकप्रियता होने के बावजूद जो है दर्शकों से अधिक जो है यानी कि संपर्ण की आवश्यकता है और लगभग जो है निश्चित रूप से कई शो के लिए जो है रेटिंग कम कर दी गई है। उन्होंने एक जो है विज्ञापन कार्यकारी को उद्धृत किया जो कि कहता है कि उनके साथ जो है क्लोज एंडेड स्टोरी लाइन नए दर्शकों के लिए जो है ट्यून करना और यह पता लगाना आसान है कि क्यों हो रहा है। और साथ ही डिक वुल्फ के अनुसार जो है इनकी धारावाहिक जो तत्व कि दर्शकों के लिए एक शो में लौटने के लिए और अधिक जो है कठिन बनाते हैं यदि वह कुछ जो है एपिसोड और साथ ही चुक गए हैं। और साथ ही चीयर्स के सह निर्माता लेस यानी कि चलर्स ने साथ ही क्रामकरों के सामान्य बनाने में मदद करने के लिए जो है खेद व्यक्त किया है और साथ ही यानी कि WE अब जो कि कुछ भी हो रहा है उसके लिए अनसिंक रूप से जो है जिम्मेदार हो सकता है। जहां यदि आप जो है पहले या तो एपिसोड को याद करते हैं तो आप जो है खो जाते हैं और आपको तब तक जो है यानी कि इंतज़ार करना होगा जब तक कि आप पर जो है
जब तक आप जो है कर सके और डीवीडी पर सब कुछ जो है प्राप्त करें और इसके साथ जो है यानी कि साथी पकड़े, अगर वह खून जो है हमारे हाथों पर है तो मुझे इसके बारे में बहुत जो है बुरा लगता है, यह बहुत जो यानी कि निराशाजनक हो सकता है। एक और समस्या यह है कि कई जो है प्रशंसक इन शो को रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं और एक जो है मंत्र में पूरे शत्रु को दी गई यानी कि साथी जो है कि घातू मान देखते हैं और दर्शक टीवी रेटिंग में जो है यानी कि शामिल नहीं होते हैं क्योंकि उनके साथ जो है लाइव दर्शकों की तुलना में उनके जो है विज्ञापनों को देखने की संभावना बहुत कम है और लाइव देखने और डीवी और साथी जो है यानी कि डीवीआर या इंटरनेट स्ट्रीमिंग जो है सेवाओं से दूर जाने से कई शो की जो है संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि कम या कोई भी विज्ञापन नहीं है और वह तेज़ी से उनके साथ जो है अग्रसित किया जाता है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रुद्रा फिल्म को और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में बतला रहे हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पर बतलाया जाता है। इस वीडियो में हम रुद्रा फिल्म को रिव्यू कर रही है। एक टीवी सीरीज है जो प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग किया जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे, उसके बाद ही आप जो है वहाँ से इसको आसानी से वॉच कर सकते हैं। जटिल स्टोरी अक्सर की रेटिंग पर जो है टोल के बारे में चिंतित किया जाता है। नेटवर्क कभी कभी साथी श्रोताओं को क्रमांकन को जो है कम करने के लिए कहते हैं और नेटवर्क के अधिकारियों का मानना है कि स्टैंड अलोन एपिसोड नए दर्शकों के लिए बेहतर जो है जंपिंग किया जाता है, जंपिंग ऑन जो है यानी कि पॉइंट के रूप में काम करते हैं। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप जो है नियमित दर्शकों के साथ जो है संघर्ष हो सकता है जो कहानी अक्सर पर आधारित ध्यान देना पसंद करते हैं और उपनाम एक जो है अधिक धारावाहिक शो के रूप में शुरू हुआ था लेकिन बाद में बन गया नेटवर्क के दबाव में जो है अधिक एस्टेंड जो है अलोन फिर से कल्पना की गई थी और साथ ही बैटल स्टार ने इसके साथ काम किया था। तो अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माता ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी यानी कि खाली थी और कई बार जो है मना करने के बाद निर्माता ने अमिताभ बच्चन को मना लिया था लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को जो है यानी कि वापस ले लिया। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया लेकिन उन्होंने भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण परियोजना छोड़ दी और उन्हें भी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म को करने के लिए। इसी रोल के लिए फिर जो है यानी कि मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया और उन्होंने यह कहकर इसे रोल को यानी कि स्वीकार कर लिया कि वह इस तरह के किरदारों के लिए यानी कि हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों संगीत जो है नदीम सरवन ने दिए थे फिल्म को और तीन गीत जो है कि आनंद बख्शी ने लिखे थे और दीवाना मुथु गीत जो 1995 के थिलाना इन साथी थिलाना पर आधारित है। तो दोस्तों जंग फिल्म को हिट घोषित किया गया था क्योंकि फिल्म की कहानी आखिरकार लोगों ने स्वीकार किया जो कि पहले जो है बहुत बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसे, फिर अनिल कपूर, उनके बाद चंकी पांडे, अक्षय कुमार एंड संजय दत्त जो है इस किरदार के लिए मना कर दिया था। आखिरकार अजय देवगन एंड मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म में कास्ट किया गया था और उनके साथ आदित्य पंचोली भी इस फिल्म में डबल किरदार में थे जिन्होंने फिल्म में एक जो सकारात्मक और एक नकारात्मक भूमिकाओं में नजर आए थे यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव किरदार में इस फिल्म में आदित्य पंचोली का रोल रखा गया है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों अगर आप लोग जंग फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी आपको हिंदी में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है गोल्ड चोरी से जहाँ पर इसकी चक्रधारी जो है अपने चक्र में सारे को फंसाता है और अंत में चक्रधारी की बेटी अजय देवगन से प्यार करने लग जाती है और अपने पिता से दुश्मनी करने लग जाती है। अंत में आदित्य पंचोली की जीत होती है क्योंकि आदित्य पंचोली को राम और एक बिल्ला के कैरेक्टर में इस फिल्म में अभिनय किए हैं और बिल्ला इस फिल्म में सारे गोल्ड को अकेले ही गबन करने का पूरा प्लान बना लेता है। दोस्तों फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती एसीपी अर्जुन सक्सेना के कैरेक्टर में नजर आए हैं। आदित्य पंचोली
फिल्म में इंजन ड्राइवर के राम एन बिल्ला के करेक्टर में डुअल रोल में नजर आए हैं। अजय देवगन फिल्म के अंदर अजय बहादुर सक्सेना के करेक्टर में नजर आए हैं। रंबा फिल्म में मधु के करेक्टर में नजर आई है। साथ ही वंशी एन साथी वासवंती फिल्म में लक्ष्मी सक्सेना एसपी अर्जुन की वाइफ के करेक्टर में नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो एक्शन ड्रामा मूवी की शुरुआत जो है काफी पहले कर दी गई थी। गतिशील लड़ाई के दृश्यों यानी कि व्यापक पीछा करने वाले दृश्य और दिल को छू लेने वाले स्टंट के साथ एक्शन ड्रामा इंसानी बौद्धिक नहीं होती है, साथ ही आतंकीय होते हैं। नायक लगभग जो है हमेशा तेज तरार और अपने जो है इनकी पैरों पर तेज और साथ ही मानसिक एवं साथ ही शारीरिक रूप से जो है सुधार करने में सक्षम होते हैं। नायक फिल्म की शुरुआत एक जो है आंतरिक जो है समस्याओं से करता है, उसके तुरंत बाद एक बाहरी समस्या आती है। कहानी के अंत तक जो है यानी कि नायक दोनों समस्याओं का सामना समाधान करते हैं। बता दें दोस्तों, एक्शन ड्रामा फिल्म के उदाहरण में ढाई हाई के साथ जो 1988 और मैट जो है मैक्स यानी कि श्रृंखला शामिल है। इसी तरह अपराध नाटक यानी कि सत्य न्याय और साथ ही स्वतंत्र के विषयों का पता लगाने और इसमें जो है अपराधी बनाना और साथ ही कानूनवादी का मौलिक जो है दंड यानी कि शामिल है। बता दें दोस्तों, अपराध फिल्म में दर्शकों को मानसिक यानी कि होप्स की एक श्रृंखला के माध्यम से कूदने के लिए प्रेरित करती है। अपराध नाटक के लिए दर्शकों और साथ ही नायक को अपने पैर की उंगलियों पर रखने के लिए मैकिक जो है कि उनके साथ जो है कि जिमानिस्टिक का उपयोग करना सामान्य नहीं है। बता दें दोस्तों, अपराध नाटकों के उदाहरण में शामिल है द बिग शॉट 2015 एंड साथ ही गॉड फादर मूवी 1972 और द यानी कि अशुअल मूवी इंस्पेक्टर फिल्म है। बता दें दोस्तों, एक ड्रामा थ्रिलर मूवी में नायक जो है अक्सर एक जो है कि अनजाने नायक होता है जो अनिच्छा से कहानी में खींचा जाता है और निर्दोष जो है कि पंडितों के जीवन को बचाने के लिए एक महाकाव्य खलनायक के साथ युद्ध करना चाहिए। बता दें दोस्तों, नायक और साथी अनिवार्य रूप से एक ऐसी स्थिति में खुद को गहराई से शामिल पाता है जिसमें एक बहुत ही अंधेरे अतीत वाले पागल अपराधी होता है। जहाँ तक एक्शन फिल्मों की बात है, मूवी के अंत तक अन्य जो है शैलियों पुलिस एंड जासूस और साथ ही गॉड में सामान्य अच्छे लोगों पर भी थ्रिलर में और भरोसा होती है। बता दें दोस्तों, कर सकते हैं कि एक जो है थ्रिलर में अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और साथ ही नायक को वास्तव में कभी नहीं पाते होते हैं। अंत तक कौन है थ्रिलर इन यानी कि दो चरम इंसानी सीमाओं के बीच जो है नायक और अधिक जो है महत्वपूर्ण दर्शकों को लगातार जो है यानी कि फाड़ते हुए आशा और भय के विचारों का पता लगाते हैं। यह कोई यानी कि सामान्य बात नहीं है कि दर्शकों को यह उम्मीद होती है कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी इस बात का डर बना रहेगा कि वैसा नहीं करेंगे। अक्सर एक यानी कि केंद्रीय रहस्य होते हैं कि जिसे नायक को सुलझाना चाहिए, एक जिसे जो है दर्शकों और साथ ही नायक से भ्रमित किया जाता है ताकि यह जनता और साथ ही मुश्किल को नायक के साथ जो है ऊपर लपेटते हुए और लटकते हुए कयामत की यानी कि आसान और साथ ही भावना को सफलतापूर्वक जो है इनके उजागर करने के लिए किया सकता है। बता दें दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की मच अवॉइडेड फिल्म जिसका नाम है जंग, जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, फ्लैश बैक में चलते हैं और फिल्म की कहानी को पूरी तरह से समझते हैं। फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है अजय देवगन, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और इस फिल्म में कई सारे और भी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। भंसी विश्वांत एन साथी रंभा भी इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आई है। मूवी को 19 अप्रैल 1996 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को हिट घोषित किया गया था। जंग फिल्म में एक अच्छी कहानी तो नहीं बल्कि एक अच्छे एक्शन सीन देखने को जरूर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म स्टार रंभा के बारे में जिन्होंने जंग फिल्म में डेब्यू किया था और इसी तरह कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। तो दोस्तों, अगर आप रंभा मैम के फैन हो और इनके फिल्मों को हिंदी डब्ड में देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात करें रंभा के बारे में तो इन्होंने सबसे पहले रंभा ने 15 साल की उम्र में अपनी जो है यानी कि शिक्षा छेड़ दी थी और फिर जो है उनके साथ जो छोड़ दी थी और फिर जो है यानी कि विनीत के साथ जो है हरिहरन की मलयालम फिल्म जो है यानी कि सरगम मूवी 1992 से अपना करियर शुरू किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें निर्देशक एबीबी सत्यनारायण ने देखा था जिन्होंने तब जो है उन्हें तेलुगु फिल्म आ और साथ ही ओकती और साथ ही अदक्कू फिल्म 1992 में कास्ट किया था, जहां उन्होंने
राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था इनको फिल्म में, और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग यानी कि फिल्म उद्योग से अभिनेत्री के लिए एक फिल्म प्रस्ताव को प्रेरित किया था। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंभा ने जानबूझकर फिल्मों के प्रस्ताव हासिल करने के लिए साथ ही ग्लैमरस भूमिका चुनना जारी रखा। बता दें दोस्तों, चिरंजीवी अभिनीत जो हिटलर मूवी 1997 की जैसी सफल फिल्मों में रंभा ऐसी यानी कि भूमिकाओं में दिखाई दी जो कि उनके साथ कथानक के लिए साथ ही महत्वहीन थी और विशुद्ध यानी कि रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी। हाँ दोस्तों, उन्होंने थ्री इंसाती रोजन्स के साथ 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें जो है जयोतिका लैला और रंभा में रंभा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे असफल रही थी और फिल्म की रिलीज के बाद वह भारी कर्ज में डूब गई थी। उसने कर्ज चुकाने के लिए चेन्नई में माउंट रोड में अपना घर बेच दिया था, जबकि जो है उस पर जो है फिल्म के साथ ही फाइनेंसरों द्वारा दायर एक जो है चेक जो है बाउंस और मामले में भी उनके साथ जो है मामला दर्ज किया गया था। बता दें दोस्तों, रंभा ने कई भाषाओं में अभिनय किया है और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली में एक सफल संतुलन बनाए रखी है। बता दें दोस्तों, 2010 में रंभा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की, जिसका नाम जो है विधुम वर्डल और साथ ही कथिर रखा गया था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन यह फिल्म जो है थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। बता दें दोस्तों, अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्मों में उनकी जो है लोकप्रियता फीकी पड़ गई है, जहां उन्होंने देखा कि उन्हें पहले की तरह भाव यानी कि पूर्ण भूमिकाएं नहीं मिल रही थी और उन्होंने एक बहुत ही लोकप्रियता तमिल टीवी शो जो है यानी कि मान द इंसातिमई लाडा और तेलुगु डांस शो धी को जज किया है। बता दें दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद वह जो है यानी कि टोरंटो से वापस आई और वह जो है जी तेलुगु डांस शो एनसाथी ABCD एनीबडी कैन डांस की जज के रूप में दिखाई दी और विजय टीवी पर इनकी किंग्स ऑफ कॉमेडी एंड जूनियर्स को जज किया गया था। दोस्तों, आपको पता है फिल्म की कहानी राम के ऊपर बेस्ड है, जो कि इस फिल्म में आदित्य पंचोली इस फिल्म में राम इन बिल्ला के कैरेक्टर में नजर आए हैं। तो दोस्तों, अहम भूमिका इनका इस फिल्म में रखा गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आदित्य पंचोली के बारे में। पंचोली ने नारी हीरा धारा निर्मित की गई टेलीविजन फिल्मों के साथ अपने करियर की शुरुआत की और साथ ही सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा फिल्म 1986 के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में कदम रखा था। इन आदित्य पंचोली पहली बार यानी कि महासंग्राम मूवी 1990 में प्रदर्शन के साथ यानी कि सुर्खियों में आए थे। बता दें दोस्तों, उन्हें हिबा धारा निर्मित की कुछ जो है टेलीविजन वीडियो फिल्मों के लिए साइन किया गया था, जिसका जो है इनकी स्वामित्व स्टार्टअप जो है पत्रिका के मालिक नारी हीरा के पास रखी गई थी। आदित्य पंचोली ने 1985 में शहादत मूवी के साथ अपने जो है अभिनय की शुरुआत की, जो 1996 में उन्होंने टेलीविजन फिल्में सोने का पिजरा इन साथ जो है इनकी सिहाई कलंक का टीका इन साथ ही अफसर मूवी की साली और साथ ही मरियम मूवी की बेटी की उस यानी कि वर्ष बाद में उन्होंने यस्ती यानी कि सस्ती दुल्हन और महंगा दुल्हा के साथ मुख्य धारा के बॉलीवुड में कदम रखा था। इसी दौरान उन्होंने मंच नाम आदित्य पंचोली को अपनाया था। बता दें दोस्तों, 1987 में पंचोली ने 2 टेलीविजन फिल्मों में अभिनय किया, अभिषेक और साथ ही खतरनाक यानी कि इरादे वाले अभिषेक मूवी में उन्होंने एक जो प्रसिद्ध इंसानी व्यवसाय को चित्रित किया, जिसने अपने पिता के धन का उपयोग खाली यानी कि समय के आनंद लेने के लिए किया है फिल्म के अंदर, और उदास और साथ ही परेशान लोगों की मदद करने के लिए एक नई पेशाक का इस्तेमाल किया था। खतरनाक इरादे में पंचोली ने एक महिला जीवन यानी कि रक्षक की भूमिका निभाई, जो कि अंजू एन महेंद्र धारा निभाई गई एक जो है विवाहित महिला के प्यार में पड़ने के दौरान खुद को जो है परेशानी में डाल लेते हैं। 1995 के दौरान उन्होंने जूही चावला के साथ जो यानी कि DD मेट्रो में DB श्रृंखला इंसाती महाशक्ति में भी अभिनय किया। यह सीरीज 1989 में वादा रहा मिलन का के रूप में रिलीज होनी थी, लेकिन
लेकिन यह फिल्म डीडी मेट्रो पर टीवी यानी कि सीरीज के तौर पर रिलीज हुई थी। बता दें दोस्तों 2014 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म माय फादर यानी कि गॉड फादर में अभिनय किया जो कि सिनेमा घरों में रिलीज होनी थी लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब और साथ ही टेलीविजन पर रिलीज हुई थी। इसी तरह विनोद खन्ना एंड माधुरी दीक्षित के साथ जो है फिरोज खान की दाय वन मूवी 1988 में सहायक भूमिकाओं के साथ पंचुली की पहली प्रमुख बॉलीवुड भूमिका थी। वह धर्म युद्ध में सुनील दत्त एंड साथ ही सुरेश जो है ओबरॉय और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दिखाई दिए। उस वर्ष बाद में उन्होंने किसी यानी कि अब तक की चुप यानी कि रहूंगी में उनके साथ जो है बुकाडिया एंड साथ ही अमला के सामने या बॉलीवुड में अपनी जो है इनकी पहली मुख्य भूमिका थी। बता दें दोस्तों और उन्हें उद्योग में एक प्रमुख यानी कि अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उस वर्ष उनकी अगली रिलीज मूवी कातिल थी जिसमें जो है उन्होंने संगीता बिजलानी के साथ अभिनय किया था और पंचुली ने एक जो है वकील के बेटे को चित्रित किया जो कि मौत के सजा और साथ ही करावास का उनके साथ विरोध और विरोध करता है, खुद को एक जो है इनकी वेश्या की हत्या का दोषी साबित करता है फिल्म के अंदर। लेकिन जब एक दोस्त ने सभी यानी कि सबूतों को हटाकर उसे धोखा दिया तो वह फंस गया। बता दें दोस्तों आदित्य पंचोली ने अपने करियर की स्टार्टिंग 1986 से ही की थी और इतने समय पहले इन्होंने किया था लेकिन फिर भी इनका उतना नाम नहीं है बॉलीवुड में। यहाँ दोस्तों इनको अक्सर जो है सैड रोल में देखा गया क्योंकि 1990 के बाद इनके करियर में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है इनको अहम भूमिका नहीं दी गई और सैड कैरेक्टर में इनको लिया गया था। दोस्तों फिल्म में इनके अच्छे प्रदर्शन शुरुआत में थे और ऐसा लगता था कि भी एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छा विलन बनने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। 1989 में पंचोली ने मीनाक्षी सिसादरी के साथ जो है रोमांस मोहब्बत का पैगाम फिल्म में अभिनय किया। मुकुल एस के साथ जो है अनंत की मल्टी स्टारर फिल्म एक्शन फिल्म महासंग्राम में उनकी एक प्रमुख भूमिका थी जिसमें विनोद खन्ना एंड साथ ही गोविंदा और माधुरी दीक्षित के कलाकारों की टुकड़ी शामिल थी। उन्होंने मलिषा चिन्नाई के साथ जो है धकधक यानी कि धकधक गाने में कुछ जो है पंक्तियाँ भी गाई थी। बता दें दोस्तों इसके बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्म जो है बाप नंबरी बेटा 10 नंबर में अभिनय किया जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने अगली बार साथ ही सलाह फिल्म में अभिनय किया। आदित्य पंचोली ने अगली बार सैला फिल्म में अभिनय किया। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ अभिनय किया पंचोली साल का अंत जया प्रदा के साथ जो है जख्मी जमीन में दोहरी भूमिका के साथ जो है इनकी करेंगी। एक विरोधी के रूप में उनकी दूसरी भूमिका स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर और साथ ही अव्वल नंबर में थी जिसमें जो है देव आनंद और साथ ही आमिर खान थे। उनकी अन्य रिलीज में साथ ही तकदीर मूवी का तमाशा एन साथ ही अति शब्द और साथ ही बीरू दादा शामिल थे। पंचोली ने 1991 की शुरुआत जो है एकता साथ ही जो है सोहिनी के साथ जो है नाम चीन से की थी जिसमें उन्होंने एक जो है बेरोजगार युवक की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई जो पैसा बनाने के लिए साथ ही अंदर वर्ल्ड में कदम रखता है और अपने शहर के सबसे यानी कि धनी लोगों में से एक बन जाता है लेकिन धन की दौड़ में अपने जो है परिवार एंड दोस्त को खो देता है और अपने गुंडे के यानी कि पुनर्वास के लिए दो जो है प्रतिद्वंदी गैंगस्टरों को मारने का फैसला करता है और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उनकी अगली प्रमुख रिलीज मूवी विष्णु देव की थी जिसमें उन्होंने सनी देओल एंड नीलम और साथ ही संगीता बिजलानी के साथ जोड़ा गया था। इनको यह फिल्म साल की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उन्होंने शिव राम में एक शीर्षक भूमिका निभाने के लिए जितेंद्र के साथ जोड़ा गया था। इनकी जोड़ी बनाई गई थी। उस वर्ष बाद में उन्होंने साथ ही जो है कि मोहसिन खान और उर्षा के साथ जो है कि उस यानी कि उस वंगर के साथ साथी फिल्म में निर्देशक महेश भट्ट के साथ काम किया था। उन्होंने किरण यानी कि जुनेजा के साथ मल्टी स्टारर जो है कि अका याला में सहायक भूमिका निभाई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन एंड अमृता सिंह जैकी श्रॉफ और साथ ही मीनाक्षी सिसोदिया के कलाकारों की टुकड़ी थी। यह साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों साल की उनकी आखिरी रिलीज मूवी जो है इनकी चंगी पांडे की जो है इनकी किमी चंगी पांडे की किमी जो है इनकी काट कर और साथ ही सोनू वालिया के साथ जो है जीवन दाता की फिल्म थी। उन्होंने 1992 में नवोदित यानी कि उनके साथ जो है रुखसार इन रहमान के साथ जो है रोमांस फिल्म याद यानी कि रखी गई थी याद रखी गई दुनिया में शुरुआत की थी जहां पे पंचोली ने एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को चित्रित किया जिसे एक जो है लड़की से प्यार होता है जो खुद एक यानी कि इलाज बीमारी से पीड़ित है।
जो एक यानी कि लाइलाज बीमार से पीड़ित है। सन 1992 में संजय दत्त के सातवें एक्शन फिल्म यानी कि साहेबजादे भी रिलीज हुई थी और साल की उनकी आखिरी मूवी रिलीज जो है धर्मेंद्र नसीरुद्दीन शाह के साथ जो है मल्टी स्टार एक्शन फिल्म तहलका मूवी थी। पंचुली ने एक सेना अधिकारी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई है और उसे एकता यानी कि सुहिनी के साथ जोड़ा गया है। यह फिल्म साल की पाँचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म थी। दोस्तों साल 1996 में तहलका फिल्म को रिलीज किया गया था और तहलका फिल्म ने अपने नाम जो है साल की पांचवें नंबर की कमाई करने वाला अपने नाम जो है इनकी बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जंग फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आदित्य पंचोली पहली बार 1993 की रोमांस एक्शन फिल्म चोर और चांद में निर्माता बने, जो कि पूजा भट्ट के साथ मुख्य भूमिका में थे। उस वर्ष उन्होंने गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर और साथ ही असरानी के साथ एक्शन फिल्म जो है इनकी मुकाबला में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी नसीरुद्दीन शाह, राहुल रॉय और संगीता बिजलानी के साथ एक्शन फिल्म में था गेम में था, जो कि 1994 की मूवी थी। उनकी एकमात्र रिलीज मूवी संजय गुप्ता की मल्टी स्टार फिल्म एक्शन फिल्म थी और साथ ही अतिश जो फिल्म द फायर मूवी थी, जिसमें संजय दत्त, इन रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और अतुल अग्निहोत्री के कलाकारों की टुकड़ी शामिल थी। बता दें दोस्तों, आतिश बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आतिश फिल्म संजय दत्त एंड इसमें आदित्य पंचोली अभिनय किए थे और ये मूवी सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 1995 की एक्शन फिल्म सुरक्षा में मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शिवा के साथ सुनील शेट्टी और साथ ही सैफ अली खान के साथ दिव्या दत्त और साथ ही उनके साथ मोनिका देवी के कलाकारों की टुकड़ी शामिल के साथ जो है जोड़ा गया था। उसी वर्ष उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया। इन साथ ही रवन राज, एक जो है सच्ची कहानी तथा यानी कि जुआरी तथा राम इच्छा शस्त्र, जैकी श्रॉफ के साथ जो है मनीषा कोइराला और अनुपम खेर के साथ पंचोली ने शेट्टी और साथ ही खान के साथ अभिनय किया। 1996 की एक्शन फिल्म एक था राजा में नीलम इन साथी प्रतिभा सिन्हा और साथी इंद्राणी के साथ बनर्जी के साथ एक और मल्टी स्टार मुख्य भूमिका निभाई थी। उस वर्ष बाद में पंचोली ने दक्षिण भारतीय इन साथी निर्देशक टी रामा राव के साथ जंग फिल्म में काम किया था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, रंभा इन साथी सुजाता मेहता के साथ दोहरी भूमिका में नजर आए थे। इसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। पंचोली ने एक निर्दोष ट्रेन ड्राइवर की भूमिका निभाई, जिसे एक जैसे दिखने वाले गैंगस्टर धारा की गई हत्या के लिए गलत तरीके से दंडित किया जाता है फिल्म के अंदर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। वर्ष की उनकी अगली रिलीज मूवी अयूब खान और साथी मोनिका वेदी के साथ जो है इनकी खिलौना मूवी थी। उनकी अन्य फिल्मों में जोरदार मुकदमा और साथ ही माफिया शामिल थे। 1997 के करीब जो है आते ही पंचोली ने विरोधी और साथ ही सहायक भूमिकाओं में स्विच किया था, जिसकी जो है शुरुआत जो है अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यस बॉस मूवी से हुई थी, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला के साथ थे। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित जीत किया था। उनकी अगली रिलीज मूवी हमशादी, जिसमें सैफ अली खान और काजोल के साथ जो है पंचोली की नकारात्मक भूमिका रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 1996 की सुपरहिट मूवी जंग को। दोस्तों अगर आप लोग जंग फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करेंगे अजय देवगन सर के बारे में, बताएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया है। इस वीडियो में हम रुद्र फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इनकी फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे और बताएंगे इन्होंने अब तक कितने अवार्ड जीत चुके हैं, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अजय देवगन एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री इन 1991। ही द एंचेंजर हिज द स्टेन नेम फ्रॉम हिज बर्थडे नेम विशाल टू अजय देवगन ड्यू टू सिवेरियल अदर एक्टर्स नेमेड विशाल बिगेन लंचेड एट द सेम टाइम इन इंक्लूडिंग मनोज कुमार सोन। ही बिगेन हिज द प्रोफेशनल करियर इन द फूल और काटे मूवी इन रिसेबेड ऑफ फिल्म फेयर फॉर बेस्ट मेल डिब्यूट। ही एंड को स्टार विद दी मधु इन
मधु इन हिज द ओपनिंग स्कैन अजय देवगन परफॉर्मेंट अ स्प्लिट विल बी द इन ब्लेंसिंग द बिटवीन टू द एन मोटरसाइकिल हिज द नेक्स्ट फिल्म वाज जिगर मूवी 1992 बॉलीवुड एंड मटेरियल आर्ट द फिल्म को स्टारिंग करिश्मा कपूर इट इज वाज द रिलीज ऑन दिवाली इन इन द दिवाली वीकेंड एंड बिकॉम द एन सेवेंथ हाइगेस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ द ईयर टेकिंग 7 crore एंड 930,000 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन द 1993 स्टारिंग इन दिल है बेताब मूवी अजय देवगन अबाउट अ लव द ट्रेंगल एंड रोमांटिक थीम द सर्च एंड रिव्यूइंग हिज द नेक्स्ट फ्यूचरिंग इन दिव्या शक्ति मूवी एंड थेन द संग्राम इन ए स्टोरी ऑफ द इमिटी बनवीन द टू एंड फादर अजय देवगन द वर्केड विद इन दीपक बहरी दीपक बहरी हु द डायरेक्टेड द एन एक्शन फिल्म एक ही रास्ता एंड विद द दीपक पावर हु द डायरेक्टेड द प्लेटफॉर्म मूवी और द रिलीज थेट ईयर्स एंड वेयर द शक्तिमान धनवान इन द बेदर्दी मूवी इन 1994 अजय देवगन स्टारर इन द हैरी बवेजा रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले ही प्लेड द पार्ट ऑफ एन अरुण सक्सेना अ मैन विद द एंड इंटिल केटर द एन इम्पैरमेंट द मूवी वॉज द एन हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ द ईयर हिज द नेक्स्ट रिलीज वॉज द एन कानून एंड थेन कुकू कोहली सुहाग विद अक्षय कुमार द मूवी वॉज अबाउट द फ्रेंड अजय देवगन प्लेट अजय शर्मा मल्होत्रा सुहाग वॉज द एन सेवन हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ द ईयर हिज द नेक्स्ट फिल्म वॉज द विजय पथ एंड शूटिंग डेट फॉर द विजय पथ एंड क्लासेड विद द मूवी करण अर्जुन विज अजय देवगन डी क्लाइंट द विजय पथ वॉज द हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी फिल्म ऑफ द ईयर इन 1995 अजय देवगन अपेयर इन द महेश भट्ट मूवी इन नजायज इन द हलचल डायरेक्टेड बाय मिलन लूथरिया एंड काजोल को स्टारिंग अजय देवगन काजोल द एन पीरियड इन द गुंडा राज मूवी विज द एन प्लेटफॉर्म विल एट द बॉक्स ऑफिस हिज द नेक्स्ट रिलीज वॉज द हकीकत मूवी एंड को स्टारिंग विद द तबू हिज फिल्म वॉज द एंड 11th हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ द ईयर इन 1996 अजय देवगन स्टारर इन द एक्शन मूवी जंग विद द मिथुन चक्रवर्ती रंबा एंड आदित्य पंचोले हिज नेक्स्ट रिलीज वॉज द एक्शन मूवी एंड कलेट जान विद द ट्विंकल खन्ना हे थेन हिद थेन स्टारर इन हैरी बवेजा फिल्म जले हुएर द प्ले एट द एंटेरिस्ट करेक्टर द कलेट शाका एंड द कलेट शाका इन द 1997 अजय देवगन इन द एंड पोली रिसीवेड मूवी द इतिहास विद ट्विंकल खन्ना हिज नेक्स्ट रिलीज वॉज द इंद्र कुमार एंड रोमांटिक कॉमेडी इश्क मूवी विद आमिर खान जूही चावला एंड काजोल दिस मूवी सक्सेसफुल अजय देवगन प्ले अजय आर द एन रिच बॉय इन लव विद द एन पुअर गर्ल काजोल द फिल्म एंड ग्रोसिंग 30 crore एंड यूएसए कन्वर्ट टू द 4.0 million द फिल्म वॉज द 4th हाइगेस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑन द ईयर इन 1998 अजय देवगन द क्रिटिकली अक्लाइमेड प्लेटफॉर्म मूवी इन महेश भट्ट द एंड इन द परफॉर्मेंस मूवी महेश भट्ट ड्रामा जखम मूवी इन द रिसीवड हिज द फर्स्ट नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 1999 मूवी हम दिल दे चुके सनम अजय देवगन एंड प्लेट द वन राज अ मैन हु द एंड ट्राई टू यूनिट हिज द वाइफ एंड विद अ हेयर लॉफ अजय देवगन स्टारेड इन मेजर शॉप विद अमिताभ बच्चन एंड सोनाली बेंद्रे वेयर ही द प्ले एट द एंड करेक्टर ऑफ द एन आर्मी ऑफिसर द मूवी वॉज द सक्सेसफुल एंड वॉज द एंड 10th हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर ही द नेक्स्ट स्टारिंग इन काजोल इन द अनिस बजमी इज द एंड सेकेंड फिल्म इज द रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था मूवी रिमेक ऑफ द ईयर 1995 इन अमेरिकन फिल्म द एन फ्रेंच किस इट इज द ग्रोसेस्ट एंड इंद्रा इंडियन रूपीज अजय देवगन नेक्स्ट रिलीज मूवी वॉज द महेश बट इज इन द जखम द एंड प्लॉट द एग्जामिनेशन एंड कम इन द कॉमोनियन टेंशन द मुंबई एंड ड्यूरिंग द रियूस अजय देवगन प्लेट द मैन इज द एनफील्ड ऑफ विद द एंड रिग वॉज कॉन्फिडेंट अजय देवगन द अजय देवगन सेबेरियल अवार्ड फॉर हिज द प्लेटफॉर्म इनक्लूडिंग द नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड द स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवी 1999 अजय देवगन स्टार इन द रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम इन विच हिज द प्लेट द एंड वन राज
मैन विद द एंड ट्राई टू हेल्प हिज वाइफ ऐश्वर्या राय एंड रोनित वी सी द हेयर लॉफ सलमान खान हम दिल दे चुके सनम मार्केट द एंड सिग्निफिकेशन टर्निंग पॉइंट द अजय देवगन करियर द फिल्म एंड द इंडिपेंशन ऑफ द एंड मैत्री देवी बंगाली नोवल ने एंड द नैन्थी इज द वर्स्ट डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली एंड स्टार सलमान खान ऐश्वर्या राय अजय देवगन हाईली एंड प्राइजेड फॉर हिज द परफॉर्मेंस एंड रेडी सेट अजय देवगन रोल द रिमाइंड यू वन इज द डेड एंड अनोदर फिल्म प्यार तो होना ही था मूवी एंड ट्राई हिज इज द एंड सर्चिंग फॉर द बॉयफ्रेंड ऑफ द गर्ल एंड सीक्रेटली लवेस बज द इंटेंस द स्कैन आर द हिज एंड फोर्ट एंड डू यू टू द विल हेयर द हिज एंड पार्टिकुलरली गुड इज द एंड स्कैन Where he the guest and expression with his the and wife the is true woman and is torbid keep his the and cool the movie was the successfully and Ajay Devgan was the nominated for the in film best actor award for best in appeared in the Hindustan Ki Kasam with Amitabh Bachchan and Sonali Bindre he the then worked with the director and Milan Luthria and Kache Dhake with Saif Ali Khan and Manisha Koirala the movie was box office hit as the plot and the performance द सक्सेसफुल मूवी होगी प्यार की जीत रोमांटिक कॉमेडी एंड द थेन हिज द एंड होम प्रोडक्शन मूवी विद काजोल एंड डायरेक्टर प्रकाश झा द फिल्म वाज द एंटाइटल दिल क्या करे हिज द अदर मूवी इन 1999 हुए द गैर एंड तक्षक इन विच ही द प्लेड द स्ट्रिंग द साइलेंट मैन इन 2000 अजय देवगन परफॉर्मेंस इन हैरी बवेजा दीवाने द फिल्म डेड नॉट विल बी बॉक्स ऑफिस इन द सेम ईयर्स अजय देवगन स्टडी इन द फर्स्ट होम प्रोडक्शन राजू चाचा विद द फिल्म वॉज द एंड मॉडरेटली सक्सेसफुल इन द 2001 अजय देवगन स्टडी इन द अनोदर एंड मॉडरेटली सक्सेसफुली फिल्म ये रास्ते है प्यार के विद द माधुरी दीक्षित एंड प्रीति जिंटा हिज द नेक्स्ट रिलीज वॉज द एंड लज्जा विथ मनीषा कोइराला माधुरी दीक्षित एंड जैकी श्रॉफ एंड अनिल कपूर ही द वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड अवार्ड हाउएवर द फिल्म वॉज द नॉट पॉपुलर विद द पब्लिक एंड महेश मंजरेकन तेरे मेरे साथ रहे फ्लुएंट इन 2002 द अजय देवगन परफॉर्मेंट एंड राम गोपाल वर्मा एंड फैक्सोनियल एग्जामिनेशन ऑफ द मुंबई एंड अंडर वर्ल्ड इन द फिल्म कंपनी अजय देवगन प्ले एट द गैंगस्टर नेमिट मलिक बर्ड कंपनी एंड अजय देवगन परफॉर्मेंस द रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लाइम इन द तरन अदर्स एंड रिव्यूड अजय देवगन एंड द इन कैट हिज द रोल टू बी परफॉर्मेंस एंड कंट्रोलेड परफॉर्मेंस द एंड एक्टर द टिकेट टू बी एंड कॉम्प्लेक्स द एंड character like of his ticket to water he the and under a wonder play part of the with the admission is the and Ajay Devgan nominated for the Filmfare best actor award and to the Filmfare critics award for best actor अजय देवगन रिलीज वॉज द एंड इन द डेविड धवन कॉमेडी हम किसी से कम नहीं मूवी विथ अमिताभ बच्चन संजय दत्त एंड ऐश्वर्या राय द सेम ईयर्स ही द एंड प्लेड द रोल ऑफ द एंड भगत सिंह एंड राजकुमार संतोषी द बायोपिक द एंड लेजेंड ऑफ द भगत सिंह हिज द परफॉर्मेंस वॉज द विल रिसीव्ड बाय द एंड क्रिटिक्स तरन अदर्स एंड शायद अजय देवगन हिज द लोफेड द रोल टू द स्टेट द एंड एक्सीलेंट वर्ल्ड बी एन अंडरस्टैंडमेंट हिज द परफॉर्मेंस and born to be with an admission for the end Cinegurus Budget the and Fashion Award the film was the released on 7 June 2002 and won 2BN2 National Filmfare Award including the National Film Award for Best Feature Film in the and Hindi the 3N Filmfare Award including the Filmfare Critics Award for Best Movie and despite the and second award Ajay Devgan winning his the second National Filmfare for Best Actor his the and performance the film was not popular with the public Ajay Devgan won to performance in Anis Bajmi Diwangi the film the and particular the inspired by the will be Andheri novel the and primal the fair The film earned the Ajay Devgan Serial Award for the Best Hit the End Role in Clouding Filmfare Best and Villain Award the Star Screen Award for Best Villain and Zee Cinema Award for Best Actor in the Negative Role The film was unsuccessful in the box office collection in 2003 Ajay Devgan starred in the Ram Gopal Verma horror film The Bhoot Opposite and Urmila Matondkar The film was appreciated the critically and performance well at the box office hit and the Started in the an action thriller Qayamat se the under threat with an actress the and debutant Neha Dhupia the film was the commercial successful Ajay Devgan next performance in the Milan Luthria
इज द रोमांटिक फिल्म चुरी चुरी अपोजिट द रानी मुखर्जी एंड सोनाली बेंद्रे। दिस फिल्म डिड नॉट सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। अजय देवगन। नेक्स्ट रिलीज ऑफ द ईयर वॉज द प्रकाश झा एंड गंगा जल मूवी। द वास इज द टाइम ऑफ द एंड ब्लेडिंग द अक्लाइडिंग द एंड भागलपुर बिहार रडीप डॉट कॉम। सैद अजय देवगन प्लस ऑफ द एंड एश विद द एंड पार्ट द एंड टेल मी विद द एंड रैन फॉर द एंड सिटिंग द अंडर द एंड सरफेस एंग्री हीरो इमेज टू बी हिज द क्रेडिट एंड द डायरेक्टर ही द एंड ब्रैंग स्टाइल एंड गॉसिप टू बी एंड लार्जली एंड द मूवी ग्रेट एक्सटेंड द हिस एंड प्रेसिस द एंड कवर ऑफ द फिल्म द एंड पेजनेस इन द सेकेंड हेल्प अजय देवगन द नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द एंड परफॉर्मेंस हिज द एंड थेन वर्कड इन रोहित शेट्टी डायरेक्टोरियल डेब्यूट द एंड जमीन मूवी एंड जी पी दत्ता वेट द फिल्म लोक कारगिल इन 2004। अजय देवगन वास कास्ट द विथ अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय एंड कुमार एंड अक्षय कुमार एंड राजकुमार संतोषी एक्शन थ्रिलर खाकी। द फिल्म वॉज द रिलीज ऑन 23 जनवरी 2004। इट इज द रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यू एंड बिकम वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द 2004 इन द खाकी। अजय देवगन वंस अगेन प्ले एट द फिल्म। हिज परफॉर्मेंस इज द एंड पुलिस ऑफिसर टर्नेड मर्डर वॉस विल बी रिसीव्ड बाय द क्रिटिक्स एंड टर्न अदर्स सेड द अजय देवगन एडेस येट द अनोदर एंड फादर इन कैप द विथ परफॉर्मेंस द एंड क्लाउड द बीन प्लेड ओनली बाय द एंड मास्टर परफॉर्मेंस हिज द एंड कन्फ्रोकेशन विथ अमिताभ बच्चन आर द एक द एग्जाम्पल। लेटर इन 2004 अजय देवगन अपीयर्ड इन द इंद्र कुमार मस्ती सनम मस्ती मूवी सनम तेरी कसम। ही द आल्सो स्टार इन द युवा मूवी अजय देवगन एंड एंड द कोलैबोरेटेड विद द एंड रितु पर्णो घोष इन द मूवी एंड रिलेशनशिप ड्रामा एंड रेंजर्स विद द एंड ऐश्वर्या राय। द फिल्म इन इज द एडेप्शन ऑफ द ओ हेनरी द गिफ्ट वन द एंड माही द विच इज द इन क्रिटिकल अक्लाइमेट एंड वन द नेशनल फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फिल्म इन हिंदी। अजय देवगन वॉज द प्राइजेड फॉर परफॉर्मेंस रडीप सेट द एंड हेस्टनेशन एंड डिस्प्रेशन अ हिमिलटनी। अजय देवगन कन्वाइज द एंड इलोक्वेंटी हिज द एंड मनोज इन द नो cool but just in another lower the end middle class guys in the एंड मैश्री विज द नोन वल बी लाइक टू बी विच प्लेस द एंड पार्टिकुलर स्टैंड आउट ऑफ द स्कैन वीर इज द क्राइस टू बी एंड बाथरूम बिगेस्ट द एंड नीरू नॉट मेरी एंड सुमिन उलजी इन 2004 अजय देवगन वॉज अल्सो सी इन द मूवी एंड कैमियो एंड अपेरिस इन द तरन द एंड वंडर कार 2005 वॉज द लेस सक्सेसफुल ईयर फॉर अजय देवगन। हिज द मूवी वेर नॉट द एंड फाइनेंशली सक्सेसफुल द इनक्लाउडिंग इन शान मूवी एंड ब्लैक मैन एंड ब्लैक मैन मूवी में ऐसा ही हूँ द टैंगो चार्ली एंड शिखर मूवी। हाउएवर द फिल्म कॉल इन द ऑफ रहन डेड विल बी फिल्म परफॉर्मेंस इज द ऑफ रहन मूवी इन द अजय देवगन द सुपरहिट मूवी इन 2006 अजय देवगन प्ले एट द एंड उथलिया इन ओमकरा मूवी हिंदी एंड अडेप्शन ऑफ द एंड विलियम द एंड शेक्सप्रिंस द एंड ऑथिलिटी वॉस एंड डायरेक्टेड बाय द विशाल भरद्वाज। द फिल्म द एंड ट्रेजेडी ऑफ द सेक्सुअल एंड जेलसी एंड अगेंस्ट टू बी एंड बैकड्रॉप ऑफ द मूवी एंड पर्टिकुलर द सिस्टम इन द उत्तर प्रदेश एंड प्राइमरेट एट द 2006 एंड चाइनीज फिल्म एंड फेस्टिवल एंड इस करेंटली द एंड कंटिन्यू द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओमकरा वॉज द विल बी रिसीव्ड बाय द क्रिटिक्स एंड रेडिव डॉट कॉम एंड अथोलो ए स्टाइकी रोल द एंड लीडिंग मैन द एज क्लाइबिट द फिल्म इज द इन मूवी द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो मूवी को रिलीज होने के बाद बॉलीवुड हंगामा ने सिवाय फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दिया था और लिखा था सिवाय मूवी एक संपूर्ण यानी कि भावनात्मक थ्रिलर मूवी है जो अपने लुभावने दृश्यों को उद्धत करता है और एक्शन सीन इसमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है उच्च एन साथी ऑक्टाइन के साथ प्रदर्शन के कारण उच्च स्कोर करती है। दोस्तों दैनिक एन साथी जगरन ने फिल्म को भावना और एक्शन से भरपूर बताते हुए इस फिल्म को 3.5 स्टार का मूल्यांकन किया था और मुंबई मिरर ने भी फिल्म को 3.5 का ही दर्जा दिया था। इसमें कहा गया है कि फिल्म अधिकांश खातों में काफी स्कोर करती है इन बॉलीवुड लाइफ ने फिल्म को 3.5 का ही दर्जा दिया और लिखा है अजय देवगन का निर्देशन इसके आश्चर्यजनक है और दृश्य और सांस लेने वाले एक्शन दृश्यों के बारे में है। बता दें दोस्तों बुक माई शो ने फिल्म की समीक्षा की और फिल्म को एक आदर्श दिवाली उपहार कहा जो आप अपने और अपने परिवार को इसी दिवाली हफ्ता में दे सकते हैं। दोस्तों न्यूज 18 के लिए राजीव मंसद ने इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए और लिखा है अजय देवगन जिस स्टार के हकदार थे वह तेज यानी कि निर्देशक और
बेहतर स्क्रिप्ट हो सकती थी और अंत में सिवाय के लिए आंखों में पानी भरने वाले स्थानों और साथ ही हिमालय और बुल्गारिया दोनों के लिए दोनों में के अलावा कुछ यानी नहीं है। और कभी कभी अजय देवगन और उनकी बेटी की भूमिका निभाने वाली छोटी लड़की के बीच जो है कि मर्मिक क्षण होते हैं, बाकी सब यानी कि शोर है। और बता दें दोस्तों, बहुत ज़्यादा शोर है। द हिंदू के लिए लेखक नम्रता जोशी ने टिप्पणी किया है कि फिल्म बहुत धीमी गति से चलती है और बस एक कहानी के साथ लगभग जो है 3 घंटे लंबी मूवी हो जाती है। फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटिकेट ने वर्णन किया है कि एक भारी यानी कि भरकम आती है। साथ ही 20 तारीख जो है फिल्म के रूप में फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दिया। और इंडिया टुडे की अनन्या भट्टाचार्य ने छायांकन की प्रशंसा की लेकिन लेखन की आलोचना उन्होंने किया था। और Reddit.com के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिए और इसे पूर्ण यानी कि अपाता कहते हुए कहा था। इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रत गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दी है। और केवल एक चीज़ जिस पर जो है आपकी नज़र जा सकती है और नज़र टिक सकती है उन्होंने कहा, और वो शानदार दृश्य यानी कि बाकी फुला हुआ है और सितारा वाहन में है। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिवाय फिल्म के बारे में जिसे 2016 में मूवी को रिलीज किया गया था और 2016 में फिल्म ठीक ठाक कमाई की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट भी बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड, अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इस फिल्म को अमेज़न प्राइम पे रखा गया है और वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। दोस्तों, फिल्म के अंदर अजय देवगन शिवाय के रूप में नज़र आए हैं। शायसा मैम इस फिल्म में अनुष्का के रूप में नज़र आई है। इरिका कार फिल्म में उलागा शिवाय की यानी कि फॉर्मर लव यानी कि पत्नी के रूप में नज़र आई है। बता दें दोस्तों, इस फिल्म में कई सारे और भी सहायक किरदार नज़र आए थे, जैसे कि आपको बता दें भीड़दास, गिरीश कर्नाद, ऐसा ही शुभ्रा शुक्ला फिल्म में नज़र आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शिवाय फिल्म की कहानी के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शिवाय मूवी कहानी को जान लेते हैं। तादे दोस्तों, शिवाय फिल्म में अजय देवगन को शिवाय के रूप में दिखाया गया है जो एक कुशल और साथी पर्वतारोही इंसान है जो पर्यटकों को ट्रैक करता है और चढ़ाई अभियान प्रदान करके उनके यापन करते हैं। दोस्तों, एक दिन वो एरिका कार से मिलते हैं और उसे जो है हिमाचल से बचाते हैं जो अंततः प्यार में दोनों पड़ जाते हैं। बता दें दोस्तों, उलागा इन गर्भवती हो जाती उसी प्यार में लेकिन बच्चा नहीं चाहती थी और शिवाय उसे बच्चा देने के लिए विनती करता है जिसके बाद वह उसे नहीं रोकेगा। और 9 साल बाद जो है शिवाय अपनी मूक बेटी और उनके साथ जो है इनकी अबीगेल एस के साथ जो है एक यानी कि खुशहाल जीवन व्यतीत करता है जब तक कि उसे पता नहीं चल जाता कि ओल्गा अभी भी यानी कि जीवित है और बुल्गारिया में है। बता दें दोस्तों, जैसे ही अजय देवगन को ये पता चलता है कि बुल्गारिया में वो छुपी हुई है, गौरव जोर देकर कहता है कि शिवाय को बुल्गारिया ले जाया जाए और अपने पुराने दुखों के बावजूद जो है शिवाय अंततः उसे बुल्गारिया से जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। बता दें दोस्तों, जहाँ पे वह एक छोटे बच्चे को बाल इंतसादी तस्करों से बचाता है, शिवाय जो है इनकी ओल्गा का पता लगाने में भारतीय इन दूतावास की मदद लेते हैं और उसे अनु और सातु उनके साथ जो है इनकी सहसा सहगल को सौंपा जाता है। सहसा सहगल को भी फिल्म में सहायक भूमिकाओं के लिए लिया गया था। बता दें दोस्तों, व्यापारी इन साथी उस तीनों के साथ और उसके दाहिने हाथ वाले जो है अनदेखी चांदनी के साथ जो है नेतृत्व में तस्कर एन शिवाय के पीछे आते हैं और गौरा का अपहरण यहाँ से कर लिया जाता है। शिवाय वैन का पीछा करते हैं एंड विभिन्न कारों को नष्ट कर देते हैं अजय देवगन, लेकिन वैन को खो देते हैं और साथ ही बुल्गारिया पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है अजय देवगन को, जिस पर हत्या और तस्करी का आरोप लगा दिया जाता है। एंड पुलिस वैन में रहते हुए शिवाय वैन में अधिकारियों को एक ही यानी कि नकाबपोश तस्कर होने की कल्पना करता है, उन पर हमला करता है, हर एक अधिकारी को बाहर निकाल देता है और वैन गलती से एक बांध से गिरा दिया जाता है और पुलिस को लगता है कि शिवाय मर चुका है, लेकिन शिवाय अपने यानी कि हुनर की वजह से वैन से कूदकर भाग निकलता है और शिवाय जो है बच जाता है। लेकिन वे साओ में से एक को वो जो है कि वो साले में वे साले से मदद करने के लिए अनु के घर लाता है, अनु के घर पर जाता है। अनु जिसने पहले शिवाय को गलत समझा था उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इंसाती ओल्ग अब जो है शिवाय का टेलीविजन कवरेज देख चुकी है और उसमें जो है मिलती है उससे ये मिलता है और उसे जो है कि जुट जाता है कि शिवाय की विभिन्न यानी कि पीछा करने वाली एन CCTV फुटेज को उनके साथ जो है कि पुनर्प्राप्त करने के लिए वहाँ पे वहाब दास की मदद लेते हैं, जहाँ पे इवान बीच के साथ जो है कि उस तीनों के साथ गुर्गे वहाँ पे पहुँचने पर बुरी तरह से पीटा जाता है, जिसके बाद वह जो है कि उस तीनों के स्थान पर खुलासा करते हैं कि जहाँ पे शिवाय को
पता चलता है कि गौरा को यानी कि देह व्यापार से बेचने के लिए ले जाया गया था। अब शिवाय अपनी बेटी को रोमानिया ले जाता है। रोमानिया ले जाने वाली यानी कि ट्रांसफॉर्म वैन का पीछा करता है। एक लंबी और शतिर जो है लड़ाई तब शुरू होती है जब जो है कि चेंजेस को अब जो है बुल्गारिया पुलिस के कप्तान इंसाती निकोलाइया के रूप में प्रकट किया गया है इन शिवाय पर हमला करता है, लेकिन वह बाद में उसे मार देता है। और बता दें दोस्तों, ओल्गा के साजुए फिर से मिल जाते हैं जो अब यानी कि धनी इन बुल्गारिया से शादी कर चुकी है और गौरा को हर यानी कि आराम प्रदान कर सकती है। शिवाय गौरा को खोने नहीं चाहती शिवाय जो है गौरा को खोना नहीं चाहता है, लेकिन यह देख कर कि उनके साथ ओल्गा अब उससे जो यानी कि विनती करती है, वो भारी मन से वहाँ पे हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ता है जहाँ पे गौरा आती है और उसे न छोड़ने का अनुरोध करते हुए उसकी बाहों में दौड़े चली जाती है। तो दोस्तों, शिवाय फिल्म की ये जो छोटी सी कहानी है मैंने आप लोग को इस वीडियो में समझा दिया। दोस्तों, फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी इसके बारे में भी मैंने आप लोग को वीडियो के अंदर बताया है। आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों, इसी तरह जब शिवाय फिल्म को रिलीज किया गया था तो इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखी गई थी कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी, लेकिन अंततः फिल्म ने 146 करोड़ पर जाके दम तोड़ दिया। और वहीं पे बात कर ले मूवी की बजट के बारे में तो फिल्म को डगरी बजट पे बनाया गया था। 103 करोड़ के बजट पे इस फिल्म को 2016 में बनाया गया था। अजय देवगन की फिल्म के बैनर के मूवी को रिलीज किया गया था। पेन इंडिया लिमिटेड के बैनर के भी मूवीज को बनाया गया है। दोस्तों, फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट अजय देवगन, साइशा एंड इरिका कार फिल्म में नजर आई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अजय देवगन सर के बारे में और जानेंगे अजय देवगन सर ने अब तक कितने फिल्मों में हैं। दोस्तों, अजय देवगन की करियर की शुरुआत होती है सन 1991 में। जैसे ही अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था, उन्होंने अपने मंच का नाम अपने जन्म के नाम से विशाल से बदलकर अजय कर लिया था। क्योंकि बता दें दोस्तों, एक ही समय में मनोज कुमार के बेटे सहित कई अन्य अभिनेताओं को लॉन्च किया गया था। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था। इस फिल्म में काम करने के बाद अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रत्यर्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया था। फिल्म के अंदर अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी आई थी जिसे सन 1992 में रिलीज की गई थी, जो एक करिश्मा कपूर की सह अभिनीत वाली बॉलीवुड मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये मूवी दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। बता दें दोस्तों, सन 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और साथी बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने दिव्या शक्ति और फिर जो है संग्राम में अभिनय किया था, जो दो पिताओं के बीच जो है दुश्मनी की कहानी को बतलाई गई है। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था, और दीपक पावर के साथ जिन्होंने उनके साथ जो है इनके प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था। उस वर्ष अन्य रिलीज जो है शक्तिमान, धनवान और बिदर्दी फिल्म में अभिनय की थी, जो साल 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी, जो कि बौद्धिक रूप से विकलांग हो चुका था फिल्म के अंदर व्यक्तित्व। ये फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली रिलीज मूवी कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ जो है कोको कोहली की सुहाग मूवी थी। ये मूवी दो दोस्तों के बारे में थी जिसने अजय देवगन ने अभिनय किया था। अजय शर्मा के रूप में मल्होत्रा की भूमिका अक्षय कुमार ने निभाया था। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ मूवी थी, जो विजय पथ की शूटिंग की तारीख करण अर्जुन मूवी से टकराई थी, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो साल 1995 में अजय देवगन, महेश भट्ट की फिल्म जो है नजायज और फिर जो है मिलन लोथरिया धारा निर्देशित की गई हलचल फिल्म में दिखाई दिए थे। काजोल ने सह अभिनय किया था फिल्म के अंदर। अजय देवगन एंड काजोल जो है फिर जो है गुंडराज मूवी में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तब्बू के साथ अभिनीत उनकी अगली रिलीज मूवी हकीकत मूवी थी और ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। यहाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह अजय देवगन सर ने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे फिल्मों में अभिनय किए हैं और इनकी फिल्में बहुत ही ज़्यादा एक टाइम में पॉपुलर हुआ करती थी 1990 के दशक में, और आज भी इनकी बहुत सारी मूवी साल में रिलीज होती रहती है। फिल्म तो इनका आता ही रहता है हर एक साल में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। साल 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंभा एंड आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया था।
उनकी अगली रिलीज मूवी ट्विंकल खन्ना के साथ जो है जान मूवी नामक एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था, जहां पे उन्होंने शाका नामक एक आतंकवादी के किरदार निभाया था। दिल जले फिल्म एक ऐसी मूवी थी जो एक आतंकवादी के ऊपर फिल्म को बनाया गया था। साल 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिर से काम किया। खराब रूप से प्राप्त फिल्म जो है इतिहास में अभिनय किया था। उनकी अगली रिलीज मूवी आमिर खान, जूही चावला और काजोल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इश्क फिल्म थी। इसी यानी कि इश्क मूवी को सफल रूप से बहुत ही अच्छा माना गया था। फिल्म के अंदर अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजोल के प्यार में पड़ जाते हैं। अमीर लड़के अजय देवगन की भूमिका इस फिल्म में निभाई है। फिल्म जो है 30 करोड़ से लेके और इन पैसों को अगर हम यूसी में कन्वर्ट कर दें तो 3.9 मिलियन की कमाई की थी और ये फिल्म साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। साल 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जो है जख्म फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किया था। साल 1999 में हम दिल दे चुके सनम फिल्म में अजय देवगन ने नवराज की भूमिका निभाई थी। एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। अजय देवगन तब अमिताभ बच्चन और साथी सोनाली बिंद्रे के साथ मेजर शाह फिल्म में अभिनय किया, जहां पे उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। फिल्म सफल रही थी और साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अनीस बज्मी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था फिल्म में अजय देवगन ने काम किया था और इस फिल्म में काजोल के साथ अभिनय किया था अजय देवगन ने, जो साल 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीज की किस्त थी और जो कि रिमेक बनाई गई थी और इसने जो है काफ़ी अच्छी कमाई किए थे। बता दें दोस्तों, अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जख्म मूवी थी, जहां पे कथानक दंगों के दौरान मुंबई में साथी सांप्रदायिक जो है तनाव की जांच करता है। इसमें अजय देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका इंसान है। अजय देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। साल 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने नवराज की भूमिका निभाई थी। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ जो है पुनर्मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम मूवी में अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, जब फिल्म जो है मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना यानी कि हाँ न्यातो को एक जो है इनकी रूपांतरण साथ ही संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। संजय लीला भंसाली धारण निर्देशित की गई थी मूवी को एन इस फिल्म में सलमान खान एन ऐश्वर्या राय के साथ कलाकार में अजय देवगन को शामिल किया गया था। अभिनय किए थे अजय देवगन ने फिल्म में काफ़ी यानी कि फिल्म को सराहा गया था। रेडिफ ने कहा था अजय देवगन की भूमिका आपको उसी भूमिका को याद दिलाती जिसमें उन्होंने प्यार तो होना ही फिल्म में अभिनय किया था। तो बता दें हम दिल दे चुके सनम फिल्म को देखकर इनकी एक और फिल्म की याद आ जाती है, जिसमें जो है इन्होंने प्यार तो होना ही मूवी में काम किया था और वहां पे इन्होंने अपने काजोल यानी कि अपनी प्यार को किसी और से मिलाने की कोशिश करते हैं। बता दें दोस्तों, ये मूवी सफल रही थी और ये मूवी प्यार करते हैं लेकिन गहन दृश्य उसकी विशेषता है और यहाँ यानी कि अच्छा ये मूवी यहाँ पे अच्छा काम करता है, विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ पे वो अपनी पत्नी की जिससे नाराज हो जाते हैं। बता दें दोस्तों, उसे शांत रखने का प्रयास करते हैं अजय देवगन और किसी भी तरह अजय देवगन उन दोनों को मिलाना चाहते हैं, लेकिन फिल्म सफल रही थी और अजय देवगन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन एंड सोनाली बिंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम फिल्म में दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लोथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में सैफ अली खान एंड मनीषा कोइराला के साथ काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत मूवी में काम किया, एक रोमांटिक कॉमेडी और फिर काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखा गया था दिल क्या करे, जो साल 1999 में उनकी अन्य फिल्में गैर और यानी कि तक्षक मूवी थी, जिसमें जो है उन्होंने एक जो है मजबूत यानी कि मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। बता दें दोस्तों, ऑल द बेस्ट मूवी को रिलीज किया गया था 2009 में। 2009 के प्रचार के दौरान अजय देवगन सन 2000 के दशक में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया था काजोल के साथ राजू चाचा। फिल्म जो है मध्यम रूप से सफल रही थी, जो 2001 में अजय देवगन ने एक और
मामूली रूप से सफल फिल्म में अभिनय किया था माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ ही रास्ते है प्यार की फिल्म में अभिनय किया। दोस्तों मनीषा कोइराला के साथ माधुरी दीक्षित के साथ एंजॉय की, शरफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली मूवी रिलीज लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि यह फिल्म जो है जनता के बीच लोकप्रियता नहीं हुई थी। इसके बाद महेश मांजरेकर की तेरा मेरा प्यार तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था, जो 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में राम गोपाल वर्मा की मुंबई इन अंडरवर्ल्ड की साथी जो है इनकी काल्पनिक परीक्षा में प्रदर्शित किया था। अजय देवगन ने मलिक नाम के एक गैंगस्टर का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। कंपनी अजय देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। जैसा कि आपको बता दें, तरण आदर्श ने समीक्षा किया था कि अजय देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के साथ निभाते हैं, एक जो है नियंत्रित प्रदर्शन करते हैं और अभिनेता इसी जटिल चरित्र को लेता है। जैसे आपको बता दें, मछली पानी में ले जाई जाती है, वह जो है सराहनीय इन सहजता के साथ अपने हिस्से को कम करते हैं। इन अजय देवगन को फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिवाय फिल्म के बारे में और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और ये मूवी सिवाय फिल्म को अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं अजय देवगन के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब 2003 में अजय देवगन ने राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म भूत में उर्मिला मातोंडकर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी कयामत सिटी अंडर थ्रेट में अभिनय किया था। अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ अभिनय किया था। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। और बता दें दोस्तों, अजय देवगन ने अगली बार मिलन लोथरिया की रोमांटिक फिल्म चोरी चोरी में रानी मुखर्जी और साथी सोनाली बेंद्रे के साथ अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं हो पाई थी। अजय देवगन की साल की अगली रिलीज मूवी प्रकाश झा की गंगाजल मूवी थी। ये फिल्म बिहार के भागलपुर में हुई थी। अंधाधुंध घटना के समय इस मूवीज को बनाया गया था। फिल्म के बारे में Rediff.com ने कहा था, अजय देवगन ने स्वतः के यानी नीचे की अपनी जो है नाराज नायक छवि को यानी कि शोधित करने के लिए एक भाग के साथ एक जो है इक्का बनाया है अपने श्रेय और निर्देशक के लिए। वह एक बड़े पैमाने पर यानी कि रूढ़िवादी धर्मी के लिए शैली और शादी अनुग्रह लाते हैं। नायक काफ़ी हद तक जो है उनकी उपस्थिति ने दूसरी छमाही में फिल्म की चंचलता को कवर किया था। अजय देवगन को इसी प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म जो है यानी कि जमीन और JP दत्ता की युद्ध फिल्म जो है यानी कि LOC कारगिल में काम किया। 2004 में राजकुमार संतोषी की एक्शन थ्रिलर खाकी फिल्म में अजय देवगन को अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ लिया गया था। ये फिल्म 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली थी और ये फिल्म 2004 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बता दें दोस्तों, खाकी में अजय देवगन ने एक बार फिर जो है खलनायक की भूमिका निभाई। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कातिल बने उनके अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। तरण आदर्श ने कहा था, अजय देवगन एक प्रदर्शन के साथ अपनी टोपी में एक और जो है पंख जोड़ लेते हैं, जो केवल एक मास्टर कलाकार ही धारा किया जा सकता है। और बता दें दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ उनका टकराव जो है अनुकरणीय है फिल्म के अंदर। बाद में 2004 में अजय देवगन इंद्र कुमार की फिल्म में दिखाई दिए थे। मस्ती सनम तेरी कसम फिल्म में उन्होंने युवा में भी अभिनय किया था। इसी तरह अजय देवगन ने ऋतु पूर्ण घोष के साथ जो है रिलेशनशिप ड्रामा मूवी साथ ही रेनकोट फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ इन्होंने काम किया था। और ये फिल्म ओ यानी कि हेनरी की द यानी कि गिफ्ट ऑफ द यानी कि मैगी का रूपांतरण बनाया गया है, जो कि रेनकोट को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है और उसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अजय देवगन को उनके अभिनय के लिए काफ़ी सराहा गया था। Rediff ने कहा, झिझक जो है की हताशा वाला और अपमान जो है अजय देवगन उन्हें उनके साथ यानी कि एक ही पुटेन से बताते हुए, उनका मनोज कोई भी यानी कि शांत दोस्त नहीं है, बल्कि दुख में एक और जो है कि निमन इन साथी माध्यम वर्ग का आदमी है, जिसके साथ जो है कोई भी यानी कि स्थान बदलना नहीं चाहता होगा। और बता दें दोस्तों, वह विशेष रूप से दृश्यों में बाहर जो है खड़ा है।
जहाँ पे वह बाथरूम में रोते हैं, यानी कि नीरू से उनके साथ किसी और से शादी न करने की भीख मांगते हैं, जो 2004 में अजय देवगन को टार्जन द वंडर कार में फिर से देखा गया था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम शिवाय फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप शिवाय फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म तो अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो में देखने को मिलता है, जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। अब दोस्तों, 2005 में अजय देवगन के लिए कम सफल साल रहा था, क्योंकि फिल्में जो है आर्थिक रूप से सफल नहीं रही थी और इनमें जो है इंसान, ब्लैकमेल जैसे ही यानी कि उनके साथ जो है टेंगो चार्ली और शिखर शामिल थे। हालांकि कार और साथी अपहरण फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, अपहरण में उनके प्रदर्शन के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। काल फिल्म में खलनायक के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था। 2010 में वंस अपन ए टाइम इन मुंबई फिल्म की साथी होने की सक्सेस के बाद जो है पार्टी में कंगना रनौत के साथ अजय देवगन को देखा गया था, जो 2006 में अजय देवगन ने ओमकर फिल्म में और साथ ही जो है इनकी ओथेलो की भूमिका निभाई, जो कि बिलियन एंड साथ ही शेक्सपियर के ओथेलो का हिंदी रूपांतरण मूवी था। इसका निर्देशन जो है विशाल भरद्वाज सर ने किया था। फिल्म उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एंड साथ ही व्यवस्था की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट किया गया था। यौन और इस ईयर की एक जो है त्रासदी हुई कहानी बतलाई गई है। इसका प्रीमियर 2006 के कान फिल्म समारोह में हुआ और साथ ही जो है इनकी काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में प्रदर्शित किया गया था। ओमकरा मूवी को समीक्षकों ने खूब सराहा था। रेडिफ ने कहा था, ओथेलो की एक जो है यानी कि मुश्किल भूमिका रखी गई है मूवी के अंदर। खलनायक धारा जो है इनकी ग्रहण किया गया था। फिल्म को प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं, फिर भी यानी कि मूर के एक जो है इनकी चिड़ चिड़े के साथ इंसान जो है इनकी सम्मोहक चरित्र फिल्म के अंदर बतलाई गई है और अजय देवगन अपनी जो है अपनी सामग्री के साथ बहादुरी से काम करते हैं। और ओमकरा ने ओथेलो को यानी कि नस्लवाद से अलग कर दिया था। और आश्चर्यजनक की बात यह है कि इसी रूप से अपने जो है काली इन त्वचा का आदान प्रदान अजय देवगन ने किया था। और साथ ही अपना संगीत के साथ जो है आर्ट इंसान थी ब्रह्मा वान के साथ अजय देवगन का सबसे अच्छा यानी कि अंश और साथ ही सद यानी कि सन या मित होने पर होता है। और जब जो है थोड़ा सा देखा जाता है जो उनके चरित्र को महसूस कर सकती है, जब तक कि फिल्म ख़त्म हो जाती है तब तक जो है आप यानी कि उनके साथ महसूस करते हैं कि वह कितने ठोस सबूत के साथ फिल्म में अभिनय करते हैं। फिल्म के बारे में तरुण आदर्श ने कहा, अजय देवगन अपने प्रेमी की वफादारी के बारे में और साथ ही अनिश्चितता के साथ जो है इनकी प्रेत वधित के साथ व्यक्तित्व के लिए एक जो है इनकी उत्तेजक और साथ ही शक्तिशाली जो है इनकी व्याख्या करते हैं। अजय देवगन ने जो कि गंभीर रूप से धारण किया गया है वह उसे जो है टी के लिए इन साथ ही उपयुक्त है। और साथ ही बेशक जो है अजय देवगन फिल्म में इन साथ ही असाधारण है और हर यानी कि इंच जो है चरित्र को दिखाते हैं कि चित्रित करते हैं। अब जो 2006 में अजय देवगन ने रोहित शेट्टी की गोलमाल फिल्म में अभिनय किया था। इसके दो सीक्वल बनाए गए थे, गोलमाल रिटर्न और गोलमाल 3 थे। उसी वर्ष अजय देवगन को 2005 की मुंबई के बाद के बारे में एक जो है लघु ऐसा थी वृत्त चित्र द और साथ ही अवकेनिंग में चित्रित किया गया था। साल 2007 में अजय देवगन ने दो फिल्मों में निर्देशित किया था, अनुभव सिन्हा की एक्शन थ्रिलर मूवी कैश और राम गोपाल वर्मा की आग फिल्म में अभिनय किया था, जो 2008 में अजय देवगन ने राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित की गई सामाजिक फिल्म जो है हल्ला बोल में अभिनय किया था। कलाकारों में पंकज कपूर एवं साथ ही विद्या बालन भी शामिल थे। यह फिल्म जो है यानी कि कार्यकर्ता एवं साथ ही सफर यानी कि उनके साथ जो है सफदर हाशमी के जीवन पर आधारित मूवी है, जिसे 1989 में नुक्कड़ नाटक के साथ जो है हल्ला बोल फिल्म में प्रदर्शित करने के समय में उनके साथ राजनीति में उद्धृत किया गया था। दोस्तों, शिवाय फिल्म को 28 अक्टूबर 2016 को दिवाली वीकेंड पर रिलीज की गई थी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और बॉक्स ऑफिस से 50 से अधिक दिनों तक ये मूवी चली थी। इसने 2017 में सर्वश्रेष्ठ विशेष यानी कि प्रभाव के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इसने जीता। इसे 17 जून 2017 को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर महोत्सव के लिए 2017 में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, फिल्म की कहानी के अगर हम बात करते हैं, शिवाय फिल्म में अजय देवगन को इस फिल्म में शिवाय मूवी में शिवाय के
रूप में लिया गया है। एक कुशल यानी कि पर्वतारोही इंसान है जो कि पर्यटकों को ट्रैक करते हैं और चढ़ाई अभियान प्रदान करके जीवन यापन करता है। एक दिन वह यानी कि ओल्गा एरिका कार से मिलता है और उसे जो है कि हिमस खलन से बचा लेता है। वह अंततः दोनों प्यार में पड़ जाते हैं एंड ओल्गा गर्भवती हो जाती है उसे प्यार से, लेकिन बच्चा नहीं चाहती और अजय देवगन उसे बच्चा देने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके बाद वह उसे नहीं रोकेगा। 9 साल बाद सिवाय अपनी जो है इनकी मूक बेटी गौरा को लेकर इन साथी अभी गैल जो है एम्स के साथ एक जो है इनकी खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि ओल्गा अभी भी जीवित है और बुल्गारिया शहर में है। गौरा को जोर देकर कहती है कि सिवाय को बुल्गारिया ले जाया जाए और अपने पुराने दुखों के बावजूद जो है सिवाय अंततः उसे बुल्गारिया से ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, जहां पे वह एक छोटे बच्चे को बाल तस्करों से बचाते हैं और उनके साथ सिवाय को ओल्गा का पता लगाने में भारतीय इन दूतावास की मदद लेते हैं और उसे अनुज की शायसा सहगल को सौंप दिया जाता है। बता दें दोस्तों, व्यापारी इन साथी उस तिनाव के साथ जो है उसके दाहिने हाथ के साथ जो है अनदेखी जाने की जांचेंगे कि नेतृत्व में तस्कर जो है सिवाय के पीछे आते हैं और गौरा का अपहरण कर लेते हैं। सिवाय वैन का पीछा करता है, जिस वैन में उसको ले जाया जाता है उस वैन का पीछा अजय देवगन करते हैं। विभिन्न कारों को नष्ट कर दिया जाता है उसी के बीच, लेकिन वैन खो जाती है उन्हें बीच में और बुल्गारिया पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजय देवगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर जो हत्या और तस्करी का आरोप लगाया जाता है। पुलिस वैन में रहते एक जो है इनकी सिवाय वैन में अधिकारियों को एक ही यानि कि नकाबपोश तस्कर होने की कल्पना करता है, उन पर हमला करता है, हर एक अधिकारी को बाहर निकाल देता है। वैन गलती से एक बांध से गिर जाता है और पुलिस को लगता है कि सिवाय मर चुका है, लेकिन सिवाय अपने हुनर की वजह से वैन से कूद कर भाग निकलता है। बता दें दोस्तों, सिवाय जो है बच जाता है किसी भी तरह। इन वेश्याओं में से एक को वैशाले से मदद करने के लिए अनु के घर लाता है, जहां पे अनु जिसने पहले सिवाय को गलत समझा था उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड साथ ही ओल्गा अब जो है सिवाय का टेलीविजन कवरेज देख चुकी है और बता दें दोस्तों उससे मिलती है और उसे जो है कि जुड़ जाती है और सिवाय के विभिन्न पीछा करने वाली एंड साथ ही सीसीटीवी फुटेज को जो है कि पुनर्प्राप्त करने के लिए वहां पे वहाँ फिर जो है कि बीट दास की मदद लेते हैं, जहाँ पे उनके साथ जो है कि युवानों बीच और साथ ही उस तीनों के गुर्गे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनके गुंडे वहाँ पर चले जाते हैं, बुरी तरह से उनको पीटा जाता है, जिसके बाद वह जो है कि उस तीनों के साथ उनका खुलासा करते हैं कि जहां पे शिवाय को पता चलता है कि गौरा को देह व्यापार में बेचने के लिए ले जाया गया है। बता दें दोस्तों, सिवाय अपनी बेटी को रोमानिया ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट वैन का पीछा करते हैं। एक लंबी और साथ ही जो है शातिर लड़ाई तब शुरू होती है जब जो है कि चेंजेस के साथ जो अब जो है बुल्गारिया पुलिस के कप्तान यानी कि निकोलाई के रूप में प्रकट होते हैं, सिवाय पर हमला करते हैं, लेकिन बाद में उसे जो है मार दिया जाता है और गौरव उनके साथ बुल्गारिया के साथ फिर से मिल जाते हैं, जो अब एक धनी इन साथी बुल्गारिया से शादी कर चुकी है। गौरा को हर यानी कि आराम प्रदान कर सकती है इन सिवाय गौरा को खोना नहीं चाहता है, लेकिन यह देख कर कि ओल्गा अब उसे जो है विनती करती है कि भारी मन से हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ता है, जहां पे गौरा आती है और उसे न छोड़ने का अनुरोध करती है। दोस्तों, इस फिल्म को 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया था, जो कि जर्मनी, फ्रांस, इटली में भी इस मूवीज़ को रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ बता दें दोस्तों, फिल्म के रनिंग टाइम को 19 मिनट को कट कर दिया गया था और उनके साथ नए ट्रिम के लिए एक संस्करण को सिनेमाघरों में जारी किया गया था, जो 27 अक्टूबर 2016 को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया था कि उनके साथ ऐश्वर्या घोषित के साथ जो फिल्म समीक्षक जो है कमाल आर खान ने ट्विटर पर फिल्म का शुरुआती दृश्य जो है अपलोड किया था, जिसे उन्होंने दुबई के एक थिएटर में शूट किया था, जहां पे निर्माता अजय देवगन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि वह खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। बॉलीवुड हंगामा ने सिवाय फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दी है। सिवाय एक जो है आदर्श एंड साथ ही भावनात्मक थ्रिलर मूवी है, जो अपने लुभावने दृश्यों को ऊर्ध्वाधर एक्शन और साथ ही उच्च यानी कि ओकाटा टाइम के साथ प्रदर्शन के कारण उच्च स्कोर करती है। बता दें दोस्तों, दैनिक एंड साथ ही जागरण ने फिल्म को भावना और साथ ही एक्शन से भरपूर बताते हुए 3.5 का मूल्यांकन किया था। मुंबई मिरर ने भी फिल्म को 3.5 का ही दर्जा दिया था, जिसमें कहा गया है कि फिल्म अधिकांश खातों में काफ़ी स्कोर करती है, और बॉलीवुड लाइफ ने फिल्म को 3.5 का दर्जा देते हुए लिखा है अजय देवगन का
निर्देशन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी तरह से रखी गई है। दोस्तों फिल्म के बारे में न्यूज़ 18 के लिए राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा है अजय देवगन जिस स्टार के हकदार थे वह एक तेज इंसाफी निर्देशक और बेहतर जो स्क्रिप्ट थी। अंत में सिवाय मूवी के लिए आंखों में पानी भरने वाले स्थानों हिमालय और बुल्गारिया दोनों के अलावा और कुछ जो है नहीं है। और बता दें दोस्तों कभी कभी अजय देवगन और उनकी बेटी की भूमिका इस फिल्म में निभाने वाली छोटी लड़की के बीच जो है साथ ही मर्मिक क्षण होते हैं। बाकी सब शोर बताई गई है बहुत ज़्यादा। और द हिंदू के लिए लेखन इंसाती नम्रता जोशी ने टिप्पणी की है कि फिल्म बहुत धीमी गति से चलती है और बस एक कहानी के साथ जो है लगभग 3 घंटे लंबी हो जाती है। मूवी इन फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेडी कैड ने वर्णन किया है कि एक भारी भरकम जो है अतीत के साथ इंसाती विस्तारित फिल्म के रूप में फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दिया। इंडिया टुडे की अनन्या भट्टाचार्य ने छायांकन की प्रशंसा की लेकिन लेखन की आलोचना की थी और Rediff.com के राजा सिंह ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दिया है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हमने इस मूवी को एक्सप्लेन किया है, इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को भी बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो और सिवाय फिल्म आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है सिवाय फिल्म को जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों ये मूवी अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बताया है, साथ ही साथ इस फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को भी इस वीडियो में हमने बताया है। दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी को 103 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 146 करोड़ से अधिक की कमाई किया। दोस्तों वहीं पर बात करें फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में अजय देवगन सहसा में इंसाद एरिका कार फिल्म में नजर आई थी और बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय देवगन सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने सिवाय मूवी को रिव्यू किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।